हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अनादर एपिसोड ऑफ़ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस मिशा शफी ने कहा था बिजली आए या ना आए हमारा ढोल बजेगा लेकिन हमारा ढोल इतना फैंसी नहीं है तो वो बिजली बगैर नहीं बजता अब बिजली आ गई है तो ढोल बज रहा है एंड आवाम की भरपूर फरमाइश पर इतनी रिक्वेस्ट आई कि कब आप दोनों खूनी लिबरल्स फिर आ, मुल्क को तबाह करने के लिए बातें कर रहे हैं तो मैंने सोचा इनको फिर बुला लिया जाए लंबी लंबी डिस्कशंस करने के लिए सैयद मुजम्मिल शाह कैसे हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक आप कैसे हैं नाइस टू बी बैक ऑन योर पॉडकास्ट नो नो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक जब तक आप भी जिंदा है मैं भी जिंदा ये करते रहते हैं हम कुछ महीनों में आई थिंक ऑडियंस आई थिंक आप मेरे से बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, तो मेरी बैट आप पर है लेकिन जब तक तक दोनों बिल्कुल जी। सीरीज कौन एक्सटिंक्ट हाँ, uh, ना हम हम <laughs> उसकी स्पीशीज <laughs> पहले मरेगी तो हम क्यों ये बकवास करते है भाई जब सिंगल नेशनल आ चुका है और वो अवाम को जो चीजें सिखा रहे हैं वो सिखा रहे हैं तो क्या पॉइंट है हमारी ये <laughs> ये जिद्दोजहद का सही बात है हम तो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन वेंट कर रहे हैं अपनी इसके बाद तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगी उसकी वाकई जब एचस्त के बच्चे भी बेचारे वही पढ़ने पर मजबूर हो जाएंगे कहाँ से निकलेंगे ऐसे दिमाग जो हमारी बातें सुनने में इंटरेस्टेड होंगे कोई भी नहीं कौन से हमने अच्छे दिमाग निकलवाए वैसे आज तक आज तक से निकला इमरान खान इमरान खान निकला नहीं यार

इवन दो खान साहब बातें वही करते हैं कि वेस्ट का एजेंडा है वेस्ट हमसे अलग है पर उनकी hmm. जो सोच है पाकिस्तानियों के बारे में कि हम hmm. तो जानवर हैं कि जोनाथन वेस्ट यू माइट नॉट रियक्ट लुकिंग एंड वुमेन इन शॉर्ट क्लोथ्स बट ये हमारा कल्चर है हम अगर देखेंगे hmm. हमसे नहीं रहा जाएगा तो उनकी जो जनरल hmm. सोच पाकिस्तानियों के बारे में है इट्स वेरी एप्ट फॉर एन एचोनियन बिल्कुल ऐसे ही है जी और वो एक लिहाज से वो उनका जो डायस्पोरा नेशनलिज्म होता है ना जिसन का कि जब आप बाहर जाके सेटल होते हैं तब पाकिस्तान की याद आना शुरू हो जाती है और फिर आप कहते हैं कि दुनिया का बेहतरीन निज़ाम पाकिस्तान में हमें चाहिए नेशनैलिटी हमें ब्रिटिश चाहिए और मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को फिर अपने बेटे कासिम को भी यहाँ ला के एस एन सी के अंडर पढ़ाना चाहिए ताकि वो भी एक इस अच्छी बिनपती हुई जनरेशन का पार्ट बन सके और बहुत ही ज्यादा मतलब डिसअपॉइंटिंग और ईवल लेजिस्लेशन है मैं तो ये कहूँगा मेरा ख्याल है ज्या के टाइम पे भी सिर्फ हम टीचर्स से दुआए कूज सुन रहे थे अब तो हमने जो है वो पूरा सिस्टम ही मद्रसिफिकेशन का जो मैंने वर्ड यूज किया था उसका शिकार कर दिया है और अगर उसकी डिटेल पढ़ी जाए तो एस्टाउंडिंग है इस तरह से अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे आज तक कभी इन स्टेट ने शायद ना की हो जितनी आप की जा रही है और आप बुक कवर्स आपने भी देखे होंगे जिसमें खातिन नीचे बैठी हुई हैं मर्द ऊपर बैठ के पढ़ रहे हैं उसके अलावा लड़के दो बैठे हुए उन्होंने जींस पहनी हुई है और आ, साथ साथ जो लड़कियां हैं उन्होंने हिजाब लिया हुआ है या साथ साथ वो कल्चरल जो है ना वो सारे हमारे आ, एक एक लिहाज से जो स्टेरियोटिपिकल इमेजेस हैं कल्चर के वो खातन उनको पूरा कर रही हैं लेकिन मर्द जो है वो जीन्स पहन के बैठा हुआ है फिर इसके अलावा अभी मैंने एक किताब का मर्द ऊपर बैठा है

मतलब दिस इज हाउ दे दे आर डिफाइनिंग द ऑफ वुमेन एक्चुअली एक्चुअली दैट एग्जिस्ट टू सपोर्ट मेन तो ये भी जो है ना वो शाहकार है सिंगल नेशनल करिकुलम का और मैंने सुना है कि एच एसन ने अभी रिसेंटली इसको रजिस्ट किया है प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि ये हम लोग तो अपना ग्राउंड स्टैंड करेंगे और हमने जो है वो नहीं मानेंगे इसको और और भी चंद वॉइस उठ रही हैं लेकिन ओवरऑल तो जो है वो इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुकी है मैंने बहुत से लोगों से मतलब पर्सनल लेवल पे पर इंटरव्यूज भी किए हैं जो कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता टॉपिक्स ऐड हो रहे हैं इस तरह के और एक मैसे लिहाज से वो ये इन है मैं तो जिस तरह बात कर रहा हूँ कि अगर आप देखें रबतास और तनजीबालमदारस की दो वेबसाइट्स हैं जो कि सारा मदरसों का निज़ाम चलाती हैं हमारे मुल्क में उन दोनों के अंदर जो सलेबस है मजहबी टॉपिक्स का वो तकरीबन ट्वेंटी परसेंट भी नहीं है उसके जो कि मॉडर्न स्कूल में पढ़ाने लगे हैं आप और इसके अलावा मतलब वो अदीस अरबी में याद करनी है तीसरी क्लास के बच्चे ने जो कि इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था और हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा करने से कुछ गलत होगा हम ये कह रहे हैं कि जो एक थिन लाइन थी ना मॉडर्न एजुकेशन में और रिलीज़स एजुकेशन में उसको ख़त्म कर दिया गया दूसरी चीज़ ये है कि जो दो लाख साठ हज़ार तकरीबन स्कूल्स हैं अब पाकिस्तान के अंदर उसमें हर स्कूल के अंदर दो क्लैरिक्स आएंगे जो कि ज़ाहिर बात है यूनियनाइज कर जाएंगे जब आधे हाफ ए मिलियन की वर्क आप लेकर आएंगे पहली बात है उनको तनख्वाहें कहाँ से देनी है आपने आप तो कहते हैं हमारे पास रिसोसेज ही नहीं है तो एजुकेशन बजट में कट्स लगा के आप पांच लाख लोगों को लेके कैसे आ रहे हैं या इस बात का कोई जवाब नहीं है आपके पास और दूसरा ये कि जो पाकिस्तान की 22.8 मिलियन बच्चों की पॉपुलेशन स्कूलों से बाहर बैठी हुई है मतलब टोटल एनरोलमेंट 25 मिलियन की है पाकिस्तान में जिसमें से 23 मिलियन जो है वो ऑन द कंट्री स्कूलों से बाहर फिर रहे हैं नंबर टू पर है पाकिस्तान आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की पॉपुलेशन के लिहाज से दुनिया में विच इज द वर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड

लम्स में पढ़ाती हैं और हार्वर्ड से पढ़ के आई हुई हैं वेस्टर्न एजुकेशन लेकर आई हुई हैं वो ही हमें सारा कुछ सिखाएंगी उनका अपना थीसिस इस टॉपिक पर है कि जो करिकुलम स्टेट इंट्रोड्यूस करवाती है ना उसका मकसद एजुकेशन नहीं होता नेशनलिज्म के गोल्स को प्रोजेक्ट करना होता है तो अपने ने ने थीसिस तो को इनेगेट करने वो खुद आ गई नहीं उन्होंने कहा ये होता है उन्होंने ये तो नहीं कहा बुरी चीज है <laughs> लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा था कि ये मैं खुद करूंगी अब तो वो खुद इस मशीनरी का पार्ट बन गई बात वो भी भी पॉडकास्ट में बुलाया हुआ है उनके से मैंने बात की हुई है मैं फिर से भी भी अभी, yeah, अभी फिलहाल तो काफी साइंस के जो सब्जेक्ट है उनमें आप देख लें कि उनके पहले चैप्टर जो है वो सारे के सारे एक ही रंग के हो गए हैं आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ और जो साइंटिफिक ट्रूथ है उसको आइडियोलॉजी आडियो। से रिप्लेस कर दिया है हाँ जी और दूसरा ये कि जो आर्टिकल बाईस है उसकी भी वायोलेशन है माइनॉरिटीज को भी आप जो है वो इस तरह के टॉपिक्स पढ़ाने जा रहे हैं जो कि जिसका जवाब जो है वो फेडरल बोर्ड ऑफ एजुकेशन क्या देता है या सॉरी कोई और एजेंसी है गवर्नमेंट की इस तरह की वो कहते हैं कि जिस दौरान ऐसे टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे होंगे क्लास में तो माइनॉरिटीज़ के बच्चों को क्लास से बाहर निकाल दें तो फिर वो बच जाएंगे जो है ना वो आर्टिकल वाइज की वायलेशन नहीं होगी ये इनके पास हल है इस चीज़ का तो मतलब बहुत अनफॉर्चुनेट है और जो इन्होंने मदारस को बजाय के एलिवेट करते उस पर इन्वेस्ट करते उन बच्चों को भी मॉडर्न लर्निंग की तरफ लेके आते वहाँ लैब्स बनाते कंप्यूटर साइंस पढ़ाते उनको वहाँ इन्वेस्ट करते क्योंकि मदारस के सिस्टम की एनरोलमेंट बढ़ती ही तब है जब स्टेट फ्री एजुकेशन ना दे रही हो विच इज़ द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन उस चीज़ को एक्नॉलेज किए बगैर इन्होंने सारे मुल्क के ताली निज़ाम को मदारस

आ, ये अभी एक तो बहुत अच्छी मीम भी आई हुई थी ये भी मैं आपको दिखा कि किसी ने ये बहुत एक फेमस तस्वीर है क्वालिटी और एक्वर्टी का फर्क तो ये किसी ने बनाया है क्वालिटी सिंगल नेशनल करिकुलम <laughs> तो ये तो हाल है <laughs> आप तो लोग जब इस तरह की बातें करते हैं ना कि बच्चे फिर बाहर बाहर भेजने माइनॉरिटीज अगर उनको नहीं पढ़ना क्या उनको नहीं पता पाकिस्तान में बच्चे कितने हरामी हैं जब ये देखेंगे वो लड़के लड़कियां अगर पढ़ रहे हैं ये जब देखेंगे उसके बाद जो क्लास में लड़की होगी उसको किस तरह ट्रीट करेंगे आप फिफ्थ ग्रेड में इतना इम्प्रेशन माइंड फिफ्थ ग्रेड के बच्चों को तो कैंसिल भी नहीं कर सकते नहीं। वो तो जाके अपने स्कूल में लड़कियों को यही बोलेंगे ना कि तुम जमीन पर बैठो तुम्हारे तो हक ही नहीं है सो ये जो स्कूल में शुरू होगा फ्रॉम तुम जमीन से बैठो दिस विल इवेंचुअली लीड टू कि तुम्हारे तो कोई ही नहीं है तुमने तो गुलाम करना है तुमने तो बीवी बनना है ये जो इस तरह की बातें होती हैं यही इवेंचुअली को सपोर्ट करना देखते हैं बिल्कुल बिल्कुल ऐसे और साथ साथ वो आप देखे ना जो जहाँ तक कल्चर की बात है जो इमरान खान साहब जिसको बहुत करते हैं उस कल्चर की भी जो एप्लीकेशन जो इतलाक है ना वो भी इन तस्वीरों में ख्वान पर ही नजर आ रहा है मर्द ने शलवार कमीज नहीं पहनी हुई ना टोपी ली हुई है सर पे वो जीन्स पहन के बैठा हुआ इसी तरह लोग तो, पाकिस्तान में मसला पीटीआई का थोड़ा सा ये है ये मैंने बात भी की थी कि पीटीआई ने ना पॉलिटिकल डिस्कोर्स बहुत नीचे लेवल पे कर दिया है और साथ ईगो भी दे दिया है कि लोगों को लगता है वो पॉलिटिकली अवेयर हो गए हैं एक बहुत ही सिंपलिस्टिक डिस्कोर्स तो ये जो आइडिया होता है जो हमेशा से होता आ रहा है भैया आप उसको देखें ना कितना वर्सन हो रहा है तो जब पीटीआई के में थी इन्होंने एजुकेशन मिनिस्ट्री जे को दे दी थी उससे ही आपको अंदाजा हो जाना चाहिए था कि ये कितने सीरियस हैं एजुकेशन के बारे में और उन्होंने वही बातें की कि अर्थ क्यों घूमती है

हम जाते हैं फार फंग एरिया में हम माँ बाप को बोलते हैं आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते बच्चों को uh, खिला नहीं सकते पिला नहीं सकते हमें देते हैं। जब इतनी गुर्बत होगी तो वो माँ बाप रिलेटेंटली बोलते हैं आप ले जाए वो फिर इस्लामाबाद लेके जाते हैं उनका ना कोई ताल्लुक ना कोई रबता फिर उस बच्चे को वो जो बनाना चाहें एंड देयर वेरी क्लियर अबाउट इट वो एग्जैक्टली exactly यही बात करते हैं कि हम फिर इसको ये क्ले की तरह हम इसको जैसे मोल्ड करना चाहें वो मोल्ड हो जाएगा तो जब आप बीस साल किसी बच्चे के और लाखों बच्चों के मौलाना अब्दुल अजीज मौलाना समी जैसे लोगों को दे देंगे तो फिर वो बड़े होके क्या बनेंगे बिल्कुल वो तो मैंने जिसना शुरू में कहा है कि जब स्टेट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करती तो वालदान के पास सिर्फ एक चारा बचता है कि उसको मदरसे में डाल दें क्योंकि वहाँ पे वो एक लिहाज से रिलीज एजुकेशन भी ले लेगा ले वालदेन की आखिरत में भी हेल्प हो जाएगी उनको बख्शवा देगा और उसके अलावा रोटी भी वहीं पर मिलेगी मकान भी वहीं पर मिलेगा और कोई इकोनॉमिक मतलब जो है वो स्ट्रेस uh, नहीं आएगी वालदे के ऊपर इसीलिए जब आप देखते हैं कि हज़ारों केसेस चाइल्ड अब्यूज़ के होते हैं तो वालदे तब भी कुछ नहीं करते कैसे करेंगे उनके पास अल्टरनेटिव क्या है अगर मदरसे से उसको उठा लिया तो वो सड़क सड़कों पर फिरेगा या किसी वर्कशॉप पर काम करेगा तो उनके पास ऑल्टरनेटिव स्टेट ने प्रोवाइड ही नहीं किया उनको इसीलिए वो जो भी करें उसके साथ उस बच्चे के साथ वो वहीं रहेगा अब्दुल अजीज़ की आप बात कर रहे हैं तो इन्होंने अभी रिसेंटली दोबारा से अपने मदरसे के ऊपर तालिबान का झंडा लहरा दिया अभी तालिबान के कॉन्क्वेस्ट के बाद हाँ जी और एक बयान भी दिया है कि इस्लाम कहता है दहशत गर्द बनो इट्स ऑन रिकॉर्ड वीडियो में मौजूद है यूट्यूब पे उसका इंटरव्यू किया था किसी बंदे ने ना तो उस पर भी वो कह रहा था कि तालिबान की रजीम की जो है ना वो सक्सेस को हम सलूट करते हैं तो ये आपकी मतलब नाक के नीचे हो रहा है कैपिटल टेरिटरी के अंदर और जो आपका सारा एजेंडा था एक लिहाज से वो जो उस टाइम के अंदर आपने बनाया जब एपीएस हुआ उसके बाद से तो मतलब इम्प्लीमेंट नहीं कर सके शुरू से आज तक। और, uh, Plan, तो का ही बेसिकली मतलब एक क्लास था ना कि आपने जो एक्स्ट्रीमिजम है उसको खत्म करने के लिए माइनॉरिटीज को राइट देने के लिए इंस्ट्रोमेंटल किरदार अदा करना है स्टेट ने तो अब वो कुछ भी नहीं कर सके उसमें से और वो लॉफिंग स्टॉक बन चुका है अब्दुल अजीज की तरह के लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं हमें uh... जितनी गालियां पड़ती हैं आपको पता ही है ऑब्वियसली आपके भी में आती है जितना कोई पाकिस्तान में आप लिबरल निकाल लें आजकल लिब्रांडू बड़ा पॉपुलर चल रहा है लिब्रांडू लोग जो है हम लोग सारे जितना निकाल लें किसी ने ये बात कभी नहीं की होगी कि, कि कुरान कहता है आप टेररिस्ट बने जो मौलाना अब्दुल अजीज ने बात की है ये अगर किसी लिबरल के मुंह से बात आती है ना कि कुरान कहता है आप टेररिस्ट बने तो वो लटका हुआ मिलता है जुदा हो जाना था फिर बिल्कुल बिल्कुल फिर एक मौलवी ने बोला कि अल्लाह मियाँ ने आपको हुक्म दिया है कि आपकी बेटी जब तीन चार या पांच साल बहुत ही कोई कम उम्र बाप उससे इंटरेक्ट नहीं कर सकता तो ये अगेन कहीं कुरान में नहीं लिखा कहीं उसमें नहीं लिखा और आप करवाना चाहते हैं बच्चों को हिफ्ज आप करवा लें बट हिफ्ज असेंसली एक रट्टा है वो उनको भी मतलब नहीं समझ में आता अभी मैं रिसेंटली रिसर्च कर रहा था वो एक स्कॉलर है वो आर्ग्यू करते हैं कि भाई जो हिजाब है वो कुरान में हैज नेवर टू अ पीस ऑफ क्लोथिंग ये तो कोई सेवन yeah. सेंचुरी में आप लोगों ने उसकी एक इंटरप्रिटेशन बना दी इराक वाले रीजन से फिर ये अरब में आया कि वुमेन ऑफ अ सर्टेन स्टैचर वो पीस ऑफ क्लोथिंग पहनती है टू शो के हमारे ये स्टैचर है इतनी सिंपल बात भाँ पूरे मुल्क को नहीं समझ में आती हम मुल्क जलाने पे आ जाते हैं कि औरत पर्दा क्यों नहीं करती और किसी को मुल्क में यही नहीं पता कि जो हिजाब का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है वो कभी फॉर एनी पीस ऑफ क्लोथिंग था ही नहीं

एक तो उससे बहुत ज्यादा थी उस टाइम के ऊपर और दूसरा ये ब्लैक कलर का जो पीस ऑफ क्लोदिंग है ये बहुत ज्यादा वहाँ पर जो है ना वो नॉर्मलाइज था तो हमने वहाँ से किसी हद तक इसको अडॉप्ट किया और पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो फिर पाकिस्तान में तो जब सऊदी सलाफ़ी स्टेट बनती है हमारी कोल्ड वॉर के बाद से तो फिर उसके बाद हमने इन वैली उसको बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज समझ लिया वरना एक दौर में एग्जिस्ट नहीं करता आप अगर एटीज़ नाइन्टीज के क्रिकेट मैचेस देखें तो जो खातिन के क्लोजर थे उसमें देखें कितनी उन्हें काले रंग का इस तरह का जो है ना वो पहना हुआ है कुछ ना कुछ तो बहुत ये लेट हो रहा है और हमारी इतनी फिकल मेमोरी है कि हमें लगता है कि मतलब तारीख में हमेशा से यही करते आए हैं और एक ही इंटरप्रटेशन आखिरी इंटरप्रटेशन है तो बात यही है कि अब तो एम को भी शायद समझ आना शुरू हो गई है कि हमें मैकेवेलियन बनना पड़ेगा थोड़ा कुछ चेंज करना पड़ेगा सोसाइटी को ओपन करना पड़ेगा लेकिन आने को समझ में आ गई है और इसीलिए सिंगल नेशनल करिकुलम की तरह के जो इनिशियटिवज़ हैं जी किसको तालिबान तालिबान जो खुद तालिबान। बंदे मारे हैं एरियल फायरिंग करें आ, हजारा मैसेकर करें बट उनके बयान क्या आता है वी वाला फ्रॉम इंक्लूसिव गवर्नमेंट मतलब यार कल आप रात को हजारा का <laughs> मैसेकर किया जाकर और सुबह आर गवर्नमेंट विल बी बेस्ट ऑन वैल्यूज ऑफ इंक्लूसिव गुड यार सही रटे पढ़वाए इनको <laughs> बिल्कुल ऐसे है जी अब तो उनको कुछ मेरा ख्याल है कि तालिबान के बारे में जो लोग ये बात कर रहे हैं ना कि यार अब वो बहुत चेंज हो गए हैं बहुत सिविलाइज हो गए हैं शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी ये बात की हमारी फॉरेन पॉलिसी को जो है ना उन्होंने क्रिस्टल क्लियर कर दिया ये बात के बाद तो वो भी ये नहीं समझते कि तालिबान में सिर्फ एक चेंज आया है कि वो अपना डिप्लोमेटिक और मैकेवेलियन बन चुके हैं उन्हें पता चल गया कि अगर करदने उड़ानी है तो उड़ाओ किसी को जलाना है तो जलाओ लेकिन मीडिया पर आके कुछ और कहना है तो उनको सिर्फ डिप्लोमेसी की आर्ट जो है ना वो समझ आना शुरू हो गई है बाकी उनका ऑपरेशन उसी तरह से है अभी दो दिन पहले की वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं जब खुवात ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नाम से एहतज किया है ना अफगानिस्तान के अंदर तो उस पर उन्होंने लाठियां मारी हैं उनको और जो है ना टॉर्चर किया है इसके अलावा जो प्रेस फ्रीडम है उसका वो क्या अशर कर रहे हैं जर्नलिस्ट को हरास कर रहे हैं मार रहे हैं तो फिर लिस्ट बना के रखी हुई है ख़्वीन की पंद्रह साल से तीस साल की उम्र के दरमियान जो कि अभी शादी नहीं है या फिर बेवा हो चुकी हैं तो ये सारी चीज़ें जो वो कर रहे हैं सिर्फ मीडिया पे इसकी प्रोजेक्शन पॉजिटिव करने की ट्राई कर रहे हैं ये डिफरेंस है बाकी तो सारी वो नाइटीज़ वाली रजीम है उनको समझ ये बात आई है कि अब नाइटीज़ वाला काम नहीं हो सकता कि आप खुलेआम कहें कि हम जो है ना वो फांसियाँ लगाएंगे सारों को जो हमारी रजीम के खिलाफ होगा और इस्लाम के खिलाफ बात करेगा तो अब उनको ये पता चल गया कि अगर आपने इंटरनेशनल ऑर्डर में सर्वाइव करना है ना थोड़ा सा स्मार्ट खेलना पड़ेगा मैनिपुलेटिव और डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा बाकी जो इनहेरेंट नेचर है जो आइडियोलॉजी है वो सारी सिमिलर है आपने जो थीसिस की बात की थी जो एक एकेडमिक होता है या रिसर्चर होता है वो भी तो ये करता है ना कि वो एक लैब में चीज इम्प्लीमेंट करता है और फिर उसको लेकर आता है दुनिया में तो जो अफगानिस्तान में हो रहा है हमने अफगानिस्तान को अपनी लैब समझा है तो जो लोग यहाँ बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं आई डू बिलीव विंक पाकिस्तान में कभी तालिबान जैसा रूल नहीं आएगा ये मेरा दिल से यकीन है हमारे लोग आ, साइलेंट Major, वाला जो है, मैं उसमें बिलीव करता हूँ लेकिन स्टेट जरूर चाहता है कि ऐसा ही हो कि जो हम कहते हैं ना नेगेटिव इमेज नेगेटिव इमेज क्यों दे रहे हैं आप यहाँ माइनॉरिटी भी मर जाए आरिफ अलवी कहते हैं आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं एक औरत के साथ में हमारे पाकिस्तान पर जो भी हो उसको पब्लिसिटी स्टैंड करार दे दिया जाता है तो हमारा भी यही ख्याल है कि नेगेटिव इमेज ना जाए होता सब वही रहे जो तालिबान भी कर रहे हैं वहां पर नहीं बिल्कुल आपने तो लेबॉटरी का मैं तो कहूँगा हमारा वेट ड्रीम है या यूटोपिया है अफगानिस्तान क्योंकि हम तो चाहते हैं कि ये इस तरह की अगर काश रजीम यहाँ पर आ जाए लेकिन जब तालिबान यहाँ टी टी पी वाले कोहाट की पहाड़ियों तक पहुँच गए थे और दो सौ किलोमीटर दूर रह गए थे इस्लाम आबाद से तब आप मुसल्ह लेट के जो है ना माफिया मांग रहे थे अल्लाह से कि अल्लाह बचा बचालन इनसे हमें ये फ्रेंकनस्टीन जो है हमारी कैपिटल पर काबिज़ ना हो जाए कहीं तो आपको शुरू से ही अफगानिस्तान में कॉलोनाइजेशन का शौक था स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी हो या कोई और पॉलिसी हो आपने हमेशा से लोकल अफगान के खिलाफ जो है ना वो आपने टैक्टिक्स खेले हैं और आपने उनको अंडरमाइन किया है दुरानी जब यूनियन में जाते हैं, उनसे सवाल होता है कि तालिबान ने जो वहाँ सब किया उसके बारे में क्या ख्याल है तो कहता है कि वी गिव तालिबान दे दे इन तो वो सब हैरान हो जाते हैं कि भाई किस बात को सेलिब्रेट कर रहे हो आप या आम जो अफगान औरत है या मर्द है उसका असर क्या हुआ है अभी भी जो तालिबान की रजीम को सपोर्ट कर रहे हैं लॉर्ड कर रहे हैं उनकी विक्ट्री को उनसे ये सवाल होना चाहिए कि फिर जो एयरपोर्ट पे लोग लैंडिंग गेयर से लट, लटक लटक के मरे हैं अगर इतनी आइडियल रजीम है तालिबान की तो उनको भागने की ज़रूरत क्यों है वाई आर दे नॉट हैप्पी अंडर द तालिबान रजीम और दूसरा ये कि वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं गलियों में क्यों निकले हुए हैं या भाग क्यों रहे हैं ख़ुदकुशियाँ क्यों कर रहे हैं अगर इतनी आइडियल रजीम है तो बात यह है कि एक ऑर्गेनाइज मलेशिया थी उसने एक फॉरेन इन्वेडर को भगा दिया इसमें लोकल अफगान की विक्ट्री कहाँ पर है क्या यह नेशनलिस्टिक मूवमेंट थी या लोगों ने बाहर आके सेलिब्रेट किया है तालिबान की जीत को वो तो उल्टा खौफ का शिकार हुए हैं चाहे वो खुतिन हों जो कि यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रही थी कहीं नौकरी कर रही थी वो सबको तो सर पर तलवार लटकी हुई है कि हम पता नहीं सर्वाइव भी करते हैं या नहीं करते और ये सब ये इमरान खान साहब ने बयान दे दिया कि खौफ की जंजीरों को और गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है अफ़गानों ने ये जो है ना वो अमेरिका को भगा कर तो मेरा ख्याल है कि इट्स वेरी शेमफुल टू से दैट एंड इट इज़ वेरी एंटी अफग़ान हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए हमें ताजुब नहीं होना चाहिए <coughs> अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ नारेबाजी देख कर क्योंकि आपने हमेशा से उनके इंटरेस्ट के खिलाफ काम किया है नाइन्टीज में भी आपने वहाँ पे उन फोसेज को एम्पावर किया जो कि गले काट रही थी उनके <coughs> अब भी आप वही करते जा रहे हैं जो पंच शेयर की फॉल है उसके ऊपर भी लोग आप पे, आपको एक यूज़ कर रहे हैं कि आपने उसके खिलाफ जो है ना वेपनाइज़ किया है लोगों को तो हम तो हमेशा से उनके खिलाफ काम करते आए हैं और कहते ही हैं कि हमने बड़े एहसान किए हैं उनके ऊपर चंद रेफ्यूजीज लेके ये पूछते नहीं है कि रेफ्यूजीज क्रिएट कैसे हुए ये पूछते नहीं है आपको पैसे नहीं 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 के वहां पर पैसे या वही ना पैसे अलग मिले और दूसरा आपने पॉलिटिकल ऑर्डर को डिस्टेबलाइज करने वाले वहां पे आप हैं रेफ्यूजीज क्रिएट करने वाले आप थे और वो सारा कुछ जब आपने कर लिया तो आपने कहा देखो हम कितने अच्छे हैं हमने तो अपने बॉर्डर खोल दिए हैं इनके लिए तो ये अजीब टैक्टिक है यार के मतलब आप पहले वहां पे क्यास मचाओ उधर जंग को जो है ना उसमें जल्दी में तेल डालो उसके अंदर और जब लोग वहाँ से भागने लगे तो बॉर्डर खोल के हीरो बन जाओ आप इसी तरह जो चाइना वाला सीन है वो भी आपके सामने है कि वो भी पर्सनल गेन के लिए तालिबान को सबसे पहले सपोर्ट करने वाले बन के उन्होंने रेड कारपेट बिछाया अभी तालिबान के लिए जब वो आए गए हैं बीजिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जो कि आमतौर पर वो नहीं करते इतना अच्छा वेलकम दिया है उनको क्योंकि उनको वो वन ट्रिलियन डॉलर्स के नेचुरल रिसोसेज नजर आ रहे हैं ना जिसके ऊपर तालिबान बैठे हुए हैं तो यही चीज़ है कि तालिबान ने भी कहा कि हम चाइना से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा वही चाइना जो बीगर मुस्लिम्स को मैसेकर इस्लाम बीच में नहीं आता क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्डर में इस्लाम वगैरह नहीं होता वो लो, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए डोमेस्टिक ऑर्डर में यूज़ होता है बस तो काश ये समझ आए इंडल लोगों को जो के अभी तक कहते हैं कि ये एन इस्लामी हुकूमत है जो की एटी परसेंट अपना रेवेन्यू पॉपी ट्रेड से कमाती रही है बीस साल से अफीम और चर्स बेच बेच के जिसने अपनी गवर्नमेंट को खड़ा किया है वो इस्लामी हुकूमत है बस उसमें उनका आर्ग्यूमेंट अच्छा है लेकिन कि देखें ये कुरान कहता है बुरी चीज है ये करके आप तबाह हो जाते हैं तो हम काफिरों को दे रहे हैं काफिर भी तबाह होंगे इससे हमें पैसे भी आएंगे तो उनके लिए तो ये विन विन है ये जो रेफ्यूजी वाली बात है आई थिंक जब हम करें सही है बिल्कुल सही है बिल्कुल जायज है एंड अफगान हेट जितना आता है ना पाकिस्तान में दो दो टू हंड्रेड थाउजेंड के फॉलोअर्स वाले जर्नलिस्ट नमक हराम और इस तरह की बकवास ट्वीट करते रहते हैं बट ये जब वेस्ट करे ना तो मुझे बहुत डिसंजेनस लगता है कि अमेरिका तो ने हमने किया बट अमेरिका ने टेनक्स वो किया जो हमने किया अफगानिस्तान में तो जब अमेरिका ये कहता है पाकिस्तान शुड टेक मोर रेफ्यूजीज तब उनको आईने में देखना चाहिए कि उल्लू के बटू तुम लोगों ने जो किया अपनी इंपीरियलिस्ट एजेंडा पे अपने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में तुम लोग तो जो अपने ट्रांसलेटर्स है उनको वीजा नहीं दे रहे हमें तुम तो सो यस Yes, बट ये यूरोप और वेस्ट जब हाई हॉर्स आता है तब उनको भी में देख लेना चाहिए मीडिया को बहुत गालियां देते हैं जो इन पाकिस्तान बट जब मैं ये रिपब्लिक टीवी देखता हूँ ना कि पंचर वैली की उनकी एक्सक्लूसिव फुटेज में किसी गेम की फुटेज उन लोगों ने चला दी है, है। सर मारता हूँ दीवार पर यार शायद हम हमारे सबसे बुरे चैनल भी बोल वोल भी

तो वो निकला यहाँ से और उसके बाद भी आप दस पंद्रह साल से वहीं बैठे रहे हैं इसका भी कोई जवाब नहीं है तो बात यह है कि ये जो पावर होती है इंटरनेशनल स्टेज पे इसमें एनआर की होती है इस पर कोई लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता इस पर कोई चेक रखने वाला नहीं होता तो इसीलिए इसको हम एथिकली बिहेव करना इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो तो एक इन्वेडर है ना बाहर से जो लोग आए हैं वो तो इन्वेड करने के लिए आए हैं उनके तो इम्पीरियल डिज़ाइन हैं वो तो वहाँ पर आपके रिसोर्स एक्सप्लॉयड करके बाहर जाके बेचने वाले लोग हैं जो उन्होंने इराक में किया उनकी कन्विक्शंस तो क्रिस्टल क्लियर है हमें कि वो करने ही ये सब आए थे लेकिन जो लोकल्स हैं जो तालिबान तो लोकल पश्तून है नाइन्टी परसेंट उनकी तो अपनी इंडिजिनस गवर्नमेंट्स थी शुरू से लेके आज तक तो उनको भी जो मेरा ख्याल है कि जो सपोर्ट करते हैं वो भी जुल्म कर रहे हैं लोकल अफगान लोगों के साथ और हमने जितनी नेगेटिव रिपोर्टिंग की है बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है बल्कि अशरफ गनी को भगोड़ा लिखते रहे हैं न्यूज़ के अंदर और बड़ा कुछ करते रहे हैं तो ठीक है वो करें आप जो कर सकते हैं अशरफ बाबू साहब जहाँ तक इंडिया की

और ये काबुल के फॉल से बहुत पहले ही तालिबान से बातचीत कर रहा था जो चाइना है ना वो तो इसीलिए इंडिया में क्रिटिसिज्म भी बहुत हो रहा है लेकिन उनका स्टेट मीडिया या फिर जो सारे मीडिया चैनल्स हैं मोस्टली वो सारे के सारे बिल्कुल प्रो मोदी गवर्नमेंट का स्टांस लेते हैं और वो इतना सेंसरशिप की जो है ना वो फियर के अंदर काम कर रहे हैं जितना शायद पाकिस्तान में भी नहीं है मैं देखता हूँ क्योंकि वहाँ एबडक्शन हो जाती हैं जर्नलिस्ट की और कत्ल हो जाते हैं वो उसके अलावा धमकियाँ दी जाती हैं उनको सेंसर कर दिया जाता है तो फ्रीडम ऑफ प्रेस और वो तो बिल्कुल जो है ना वो डिक्लाइन की तरफ है नोज डाइव कर रही है इंडिया के अंदर तो उससे भी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेकिन हमारा रोल जो है वो स्प्रिटी मच द सेम जो कि नाइन्टीज वाला था हमने कुछ नहीं सीखा उस सारे से और आगे जो होने जा रहा है मुझे तो बहुत डार्क एजेस नज़र आ रही हैं आगे आती हुई इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी क्योंकि आपके बॉर्डर से इतनी बड़ी इन्फ्लक्स आ रही है रोज की बुनियाद पे रेफ्यूजीज की जिसका कोई नंबर कोई इन्फॉर्मेशन ही मौजूद नहीं है और अभी कोयटा में जो ब्लास्ट हुआ है रिसेंटली शेख रशीद साहब जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के मिनिस्टर हैं वो खुद कहते हैं कि ये अफगानिस्तान से आए हुए लोगों ने किया है जो कि अभी रिसेंटली बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं तो काम तो शुरू हो चुका है पहले ही आपने क्या प्रोनास्टिगेट करना या आगे प्रडिक्ट करना कि आगे बहुत बुरा होगा द थिंग एज ऑलरेडी स्टार्टेड क्योंकि वहाँ से जो सारे लोग आ रहे हैं वो वही करेंगे जो पहले नाइन्टीज में किया था क्लैशनिक ऑफ बेचेंगे यहाँ आके अफीम बेचेंगे हथियार बेचेंगे तो उस पर कोई चेक रखने वाला नहीं है आप बेशक रेफ्यूजीज को लें लेकिन स्क्रूटनी उसके ऊपर बिल्कुल नहीं हो रही तो मेरा ख्याल है कि इंटरनल सिक्योरिटी पाकिस्तान की जो है ना वो बहुत सेंसिटिव होने जा रही है आगे हम अक्सर गेट आउट जेल फ्री कार्ड दे देते हैं कि जी वो है हमारी कैपेसिटी नहीं है कैसे करें हम बट मंजूर पश्तीन के साथ आप जब बैठे थे उन्होंने एग्जैक्टली exactly सही बात की थी कि सेमी परमिएबल बॉर्डर है पोरस बॉर्डर है कि जिसको <laughs> लाना चाहे वो आ जाता है और जिसको ना लाना चाहे वो नहीं आता तो जो लोग आ रहे हैं hmm. तो वो किसी वजह से आ रहे हैं या लाए जा रहे हैं

उन्होंने बोल दिया डायरेक्ट जो हम बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे ना किसी ने तो ये भी बोल दिया पीटीआई की मिनिस्टर मिनिस्टर या लीडर कोई खातून है टीवी पे आकर के तालिबान मिलकर हमारे साथ कश्मीर फतह करने का वादा किया है जबकि उनका ऑफिशियल बयान क्या है कि टी टी पाकिस्तान का इंटरनल मसला है हमारा कोई ताल्लुक नहीं उससे भाई बंदा खुद सोचे कि तालिबान में जो उनकी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है फोर्टी फॉरेन फाइटर्स हैं अब उसमें से कितने पाकिस्तानी होंगे आपके साथ एक कमांडो लड़ रहा है आपके आपका जनरल है उसने आपके लिए गांव फतह किया जब वो पावर में आएंगे वो बोलेंगे नहीं जी हम आइडियोलॉजिकली पाकिस्तान हमारा साथ दिया था अब हम अपने फाइटर्स को लटका देंगे क्योंकि वो पाकिस्तान में जाके डर वो पागल है वो मतलब लॉजिकल ताजा दोनों तरफ से है ना कि टीटीपी अगर कहता है हम जो कर रहे हैं इस्लामिकली बेस्ट चीज़ है तो वो क्यों नहीं चाहेंगे पाकिस्तान में करना और पाकिस्तान में जो, जो लोग कह रहे हैं कि जी टीटीपी टी पी की बेस्ट एग्जाम्पल है और यही इस्लाम चाहता है तो आप पाकिस्तान में क्यों नहीं ला रहे अगर ये बेस्ट इस्लाम है बिल्कुल ये तो इत, इतनी बड़ी हिपोक्रेसी है कि वो कहते हैं कि टीटीपी वाला जो है ना वो इस्लाम नहीं है जो अफगान तालिबान वाला है वो इस्लाम है मैं तो कहता हूँ कि अगर आप तालिबान को सपोर्ट करते हैं तो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं एपीएस में मरने वाले 136 या 140 बच्चों को जिनके गले काटे गए और आपने बाद में शमें जलाईं और आज तक याद करते हैं सोलह दिसंबर को तो फिर वो छोड़ दें एक तरफ आ जाए ना याद तो उनकी जो यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो बारबरज़म था उसको भी सपोर्ट करें सेलिब्रेट करें आप लोग अगर उसको नहीं करते तो फिर आप ये बात करना छोड़ दें कि यार ये आइडियल इस्लामी हुकूमत है उसकी वजह कि वो तो साथ दे रहे हैं टी टी पी का शुरू से ले आज तक लेकिन वो आपके नज़दीक जो है वो एंटी स्टेट है वो बहुत बुरी है वो खारजी हैं ये ख़ारजी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि यार वो तो इस्लाम से ख़ारिज हैं और ये तो वो वाली फोर्स है जिसके जिसको कर्ज किया गया था इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर लेकिन जो जरा सा बॉर्डर क्रॉस करके उधर जाएंगे तो जो उधर आए हुए हैं वो सारे बिल्कुल परफेक्टली इस्लामिक फाइटर्स हैं हालांकि अगर देखा जाए तो ऐसा लॉसेबल सेटिंग बनी हुई है कि आई कह रही है तालिबान लिबरल है इसीलिए तालिबान को हम मारेंगे वो असल इस्लामी नहीं है हम असल इस्लामी हैं तालिबान कह रही है कि ये फंडामेंटलिस्ट हैं हम यहाँ बैठ के कह रहे हैं तालिबान असल इस्लाम वाले हैं और आधे पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ये काफिर हैं लिबरल जो उनके खिलाफ बात करते हैं तो एक लिहाज से आईस भी तालिबान के खिलाफ है पाकिस्तानी लिबटार्ड और खूनी लिबरल भी तालिबान के खिलाफ है तो हम दोनों आईस और पाकिस्तानी लिबरल आप और मुझ समेज

फिर वो टर्की भी चले गए आ... जियो पे इंटरव्यू करवाया जियो पे इंटरव्यू करवाया नवाज शरीफ जियो पे नहीं आ सकता उसकी स्पीच बैन की है अलता हुसैन नहीं आ सकता एहसान आ सकता है और बाद में टर्की का फ्री टूर भी दिया उसको उसको ना जाके फिर के आया सारा तो उसको टर्की का सेफ पैसेज भी दिया हमने और बाद में कहा पता नहीं कहाँ चला गया यार रात का टाइम लाइट बंद थी तो शायद निकल के भाग गया कुंडी खुली हुई थी शायद रात को तो ये हमारा जो है जिस तरह से आप बता रहे हैं बट yeah. इसमें अगर हम थोड़ी एनाइज hmm. करें स्टेट पॉलिसी तो फिर तो कंसिस्टेंसी है ना अगर हम कहते हैं जी आप निगोशियट करें इनको मारना नहीं है तो फिर ये तो कंसिस्टेंट है एहसान को भी आपने मारना नहीं है जिस तरह हम कहते हैं अफगानिस्तान में अमेरिका को मारे नहीं निगोशियट करें तो ठीक है एहसान से निगोशियट करें टीटी को भी पावर शेयरिंग में दें hmm. नहीं बिल्कुल एहसान की तो ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि मैं एक डील के तहत हाउस अरेस्ट में था मुझे इन्होंने पकड़ा नहीं है हमारी बात हुई थी एक मुआदा हुआ था उसके तहत मैं चंद दिन बैठा हूँ इनके पास इन्होंने बड़ी ज्यादती की अपना मुआदा तोड़ा है और जब मेरा ग्रीवेंस आया मैं उठ के बाहर निकल गया तो ये कोई इस तरह का अरेस्ट नहीं था जो हमने बड़ा पैशनेटली किया हो कि यार ये हमारे बच्चों का कातिल है तो इसको पकड़ के बैठाते हैं यहाँ पे और इसका ट्रायल करेंगे वो तो डील की थी आपने और वो निकल के चला गया वही जो पहले आपने सवात वर्ष के बाद डील की थी तो कंसिस्टेंट ही है पॉलिसी मेरा ख़्याल है क्योंकि तालिबान को अपीज़ करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं हमारी गवर्नमेंट के अंदर सिवाय चंद पश्तून जो इसके अलावा तहरीकें हैं उनकी अगर बात कर लें या फिर जो पी के एम की तरह की पार्टीज हैं या ए एन पी है या पीपल्स पार्टी भी किसी हद तक है उसमें से चंद आवाज़ें उठती हैं तालिबान के ख़िलाफ़ उसके अलावा तो सारे प्रो तालिबान हैं और बहुत खुश हैं इस बात पर कि वहाँ पर एक आइडियल हुकूमत आई है काश अल्लाह हमें भी दे यहाँ पे

सीटें नहीं जीती उन लोगों ने इतनी तो पाकिस्तान में अगर आप वाकई हकीकी इलेक्शन करवाएं जबकि वो भी इतने हकी इलेक्शन नहीं थे आई थिंक कभी डेमोक्रेसी से इतना एक्सट्रीमिज्म पाकिस्तान में नहीं आएगा क्योंकि पाकिस्तान की वो जो एक मेमरी है ना हिस्टोरिकली हम नहीं है हम वो टेररिस्ट फंडामेंटल है ही नहीं तो आप जितना सालों साल सिंगल नेशनल करिकुलम घुसा भी देना वो जो एक हिस्टोरिकल कई सदियों से मेमोरी है सबकी उसको निकालना जरा मुश्किल काम है सर ना बेशक वो सिपा साहबा वाला इलेक्शन उसके या फिर जो है न, वो और थी, उनके इलेक्शन लड़ने वाले लोग थे, वो इसलिए डिस रहे हैं किसी प्रोसेस से बाहर रहे हैं क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी मैथ से ज्यादा रिलेटेबल नहीं थी लेकिन जो टी की आइडियोलॉजी है वो बरेलवी रेडिकलिज्म है और बरेलवीज बहुत बड़ी तादाद में एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान के अंदर और जो सिंगल नेशनल करिकुलम की स्पिरिट्स हैं वो भी बरेलवी हैं आप मुझे मैंने इस पर रिसर्च की है आप इस्लामिया की किताबों के अंदर हजरत अली का नाम दिखा दें मुझे मैंने देखा है और मैं लेकिन मैंने इस पर बात नहीं की ओपनली क्योंकि मैं फ्यूल नहीं करना चाहता सेक्टेरियनिज्म की बाइस को और ये सारा कुछ लेकिन इन इन लोगों के अंदर वो एग्जिस्ट करता है और ये उसको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं रिसेंटली पंजाब असम्बली के अंदर जो लास्ट ईयर बिल आया था सिपा साहबा वाले लेकर आए थे वो भी यही था एंटी शिया बिल था पूरा पूरा वो तो

क्योंकि ये वही बरेलवी थॉट है जो मेजोरिटेरियन है और वो इसके साथ साथ ये भी कि जो आप ये बात कर रहे हैं कि इससे पहले कभी इतने वोट हासिल नहीं किए इन लोगों ने मेरा ख्याल है कि अब थ्रेट लूम कर रहा है कि आइंदा ऐसा होने वाला है अगर आप खुले आम जो है ना वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं और ये तालिबान की रजिम वहाँ सस्टेन कर रही है या फिर सिंगल नेशनल करिकुलम अपने बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि एक डेकेड या दो डेकेड्स के अंदर अंदर इट्स हाईली लाइकली इट कुड हैपन एक्चुअली क्योंकि इमरान खान साहब ने जो हमारे साथ किया है वो सबसे बड़ा नुकसान मैं गवर्नेस को मुझे कोई इंपॉटेंस मैं नहीं देता उसको इस लिहाज से मैं करप्शन के बारे में कोई इंपॉटेंस नहीं समझता कि उसके फार रीचिंग इतने इफेक्ट्स होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के इतने फार रीचिंग इफेक्ट शायद ना हो लेकिन जो भी आके करिकुलम को छेड़ता है जो माइंड्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है और जो यूनिफॉर्मिटी थॉट में एनफोर्स करने की कोशिश करता है अगर आप नेशनल सोशलिस्ट पार्टी जो हिटलर की पार्टी थी उनके पच्चीस पॉइंट्स का एजेंडा पढ़े ना तो उसमें पांचवा छठा पॉइंट ये है कि इंडिविजुअल गुड को साइडलाइन करके कॉमन गुड के लिए हमने काम करना है और साथ साथ जो जर्मन नेशनलिज्म है उसमें इतनी अदराइजेशन है कि उसमें एक एनिमी बड़ा डिस्टिंक्ट बना के दिया आपको कि ये है ज्यू ये बाहर से आया तुम्हारी नौकरी लेने के लिए ये बाहर से आया तुम्हारी जो नस्ल है उसके अंदर आमेजिश करने के लिए उसको करप्ट करने के लिए और साथ साथ ये तुम्हारा सगा भी नहीं है इसीलिए इसको इसके खिलाफ हमने काम करना है मिलके और एक जर्मन नेशन बिल्डिंग करनी है तो पीटीआई का बिल्कुल सेम एजेंडा है कि वो उसने अदराइजेशन और एक डुअलिटी बनाई है एक है करप्ट इंसान जो गद्दार है जो मोदी से मिलता है जो कि इन्वेस्ट करता है बॉर्डर के उस पार जो कि फौज के खिलाफ बात करता है वो सारे के सारे स्टेट के खिलाफ हैं इनको मैसकर कर दो इमरान खान ने तो ये भी कहा था कि यहाँ अलाउड नहीं है वरना आपने तो देखा है कि हमेशा से पोलिटिकल ओपोनेट जो कि मुल्क के खिलाफ होते हैं उनके गर्दनें कटी हैं तो वो खुद कहते हैं कि अगर मुझे इख्तियार होता तो मैं नून लीग वालों की गर्द काट देता तो ये चीज़ है कि सिर्फ डिस्टिंगशन ये है कि उनके पास शायद इतना स्टालिन की तरह का कंट्रोल नहीं है या फिर वो माउजर डोंग नहीं है किसी हद तक कंस्ट्रेंट है उनके ऊपर लेकिन काम बिल्कुल वही किया है कि एक ऑर्गेनाइज मेजोरिटी क्रिएट की है एक ऑर्गेनाइज जो है ना वो अदराइजेशन की है दूसरी फैक्शन की कि ये जो जो पाकिस्तान के इदारों पर उंगली उठाएगा इसको कत्ल कर देना जो है ना वो मकसूद है बस तो इससे जो मिलिटराइजेशन हुई है ना यहाँ पे या, फिर जो आपने टर्किश टर्कन फैलाई है कि अर्दगान जो है ना वो पूरे इस्लामिक इस्लामी उम्मा के जो है ना वो लीडर हैं वो है और इसके अलावा टर्किश हिस्ट्री पढ़ाना शुरू की हुई है आपने यहाँ पे अर्तुगल जो है ना वो इतना ज्यादा पढ़ा दी है आपने बच्चों को कि वो अब चौदह अगस्त पे भी आपको पाकिस्तान के झंडे की शर्ट के साथ अर्तुगल बना होता है यहाँ पे तो पाकिस्तान ये नेशनलिज्म का पार्ट बन चुका है तो ये चीज है कि अभी अभी वो सलाउद्दीन नरूबी पर सीरीज बना रहे हैं तो पता नहीं क्या कुछ मतलब वो जो है ना वो डी ट्रैक में। उसकी वजह ये है कि ऑन ग्राउंड कुछ करने के लिए रिसोर्स नहीं है तो फिर यही सब करेंगे और मेरा ख्याल है कि आ, आने वाले दस पंद्रह साल में ये होने जा रहा है जो जो आप ड्रेड कर रहे हैं जिसको आई स्टिल बिलीव इन द पीपल हमारे पाकिस्तान में बाबू साहब कि अगर डिक्शनरी में तस्वीर हो तो आफ्ताब इकबाल की होगी अगर ये ब्रिटिश कलोनियल में होते तो सर इनको अब तक मिल चुका होता लकअब उन्होंने कहा है ना कि जी इमरान खान के साथ सबसे बड़ी ये हुई है कि कि वो डिक्टेटर नहीं है, कि नहीं है उसको डिक्टेटरशिप मिली और ना तो वो इस वक्त पूरा <laughs> मुल्क की तकदीर बदल देता सो आई थिंक इवन वो जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स की मैं बात कर रहा था कि हमने थोड़ा डम कर दिया बाइडन ने भी उसी वही उसी चीज का इस्तेमाल किया कि आपका जो एग्जिट है सब सब उनके जनरल सब ने टेरिबल एग्जिट स्ट्रेटेजी का रिस्पॉन्स था वी कुड नॉट हैं इवन तालिबान पे like, तो और क्या सोल्यूशन था यस yes, अशरफ गनी कर करप्ट है hmm. बट अगर अमेरिका चला जाता अगला इलेक्शन किसने करवाना था उससे अगला इलेक्शन किसने करवाना था तो हम भी अगर अपनी हिस्ट्री देखते हैं मुशरफ के टाइम जो हुआ सबको पता है लिबरल uh, सिर्फ इनलाइट मॉडरेशन नाम में थी फंडिंग सारी कहाँ जा रही थी किसको सपोर्ट हो रहा था पीपीपीआई आप कहते हैं करप्ट थी ठीक है पी एम एल एन आई आप बोलते हैं ठीक है खाते थे तो लगाते भी थे तो चीजें बेहतर होती जा रही है ना अगली अगर एक डेमोक्रेसी आती है या पी एम एल एन की ही दूसरी गवर्नमेंट आती वो दो हजार अठारह से दो हजार तेईस वाली पी एम एल एन बेटर देन दो हजार तेरह से दो हजार अठारह वाली इशार डार से मुफ्ता इसमाइल तक आप पहुंच चुके थे सो so, डेमोक्रेसीज और नेशन इस तरह से बिल्ड होते हैं जब आप एक ही टाइम सबकी घुटनों में डंडे मारकर बोलने के नहीं भाई तू आप आए जाए तू नहीं चल सकता तू व्हील चेयर पर बैठ जाएर फिजियोथेरेपी कराएं तो वी विल रिग्रेस बट ये ये जो एजेंडा है ये इतना ज्यादा चल नहीं सकता हक जैसे आ, खुद उनके लोग कहते हैं कि अंदर से आम रखवाए गए थे सो so, ये आई रियली फील पाकिस्तान में एक हद तक ये जो एजेंडाज हैं ये जा सकते हैं एंड लाइक वी से फ्रेंकनस्टाइन वो हम ही खाएगा आकर अः uh, आप जो हीरोज बनाते हैं आप जिन चीजों को सेलिब्रेट करते हैं आप बच्चों को वो सिखाते हैं एक अरशदीन ने जैवलिन थ्रो किया तो आपको वीडियोस आ रही हैं पांच पांच साल के बच्चे डंडे फेंक रहे हैं अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में तो जब आप टीवी पे दिखाएंगे अर्तुग्रोल हीरो है उसने काफरों का कत्ल किया तालिबान हीरो हैं उन्होंने जी काफरों का कतल किया तो अपनी गली में भी बंदा यही सोचेगा ना कि यार मेरी गली में भी तो एक काफिर रहता है क्यों ना मैं भी हीरो बन जाऊँ बिल्कुल जी वो मतलब बेसिकली एजेंडा फिलहाल ये है कि पाकिस्तानी नेशनलिज्म एक एक, था पेट्रियटिज्म वो तो क्रिएट नहीं करना एक नेशनलिज्म क्रिएट करना है और उसके लिए हमने किताबें भी तब्दील करनी है मलाला यूसुफ जी की तस्वीर भी निकालनी है किताबों से छापे मार मार के ऑक्सफोर्ड यूनियन की जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की जो आउटलेट्स है उनके ऊपर वो जो काशिफ मिर्जा वाली डिबेट मैंने की थी शायद देखी वो आपने जिसपे मेरे पे अटैक हो गया था ठीक है पूरा पूरा तो वो वाले लोग भी एक उनको इस्तेमाल किया जाएगा जी आगे जाके और इसके साथ साथ ये सिंगल नेशनल करिकुलम वाला भली एक साइड है एक साइड ये है कि मीडिया पे इतना कंट्रोल है कि आज तक शायद मतलब जब से ये फ्री मीडिया सो तो कॉल्ड जो हम कहते हैं मुशरफ ने जो आके अलाउ किया प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को काम करने के लिए तो उसके बाद से इतनी सेंसरशिप कभी नहीं रही कि सत्तर के सत्तर चैनल जो है ना वो एक ही जबान बोली जा रहे हैं और इसके बाद जो क्लैरिक्स हैं उनको इतना इंपॉर्टेंट रोल मिल रहा है कि वो

और वो ये भी कहते हैं कि मिसिंग पर्सन क्या होता है मतलब ये कहाँ से उठाए गए हैं मुझे तो इसका कोई इल्म नहीं है दूसरा ये कि मैं तो नहीं बोलता इस बारे में मैंने तो सिर्फ ये देखा है कि इमरान खान सच्चा लीडर है बस उससे पहले उसको उजड़ा चमन मिला था तो अब उसको वो सही करने के दिन रात मेहनत कर रहा है रात को सोता भी नहीं है वो इसलिए तो ये है कि मतलब ये जो आइडियल्स क्रिएट किए जा रहे हैं या आपकी बात ठीक है कि फिर बच्चे तो वही सीखते हैं ना उसके बाद से ये इवन एर्तुल वाला जो फिनिना है इसका प्रोड्यूसर कहता है कि इट्स अ वर्क ऑफ फिक्शन इस पे छफों से ज्यादा की तारीख नहीं है ओनली सिक्स पेजेस वी नो अबाउटन अस्लिम जो कैम्रिज कैमब्रिज हिस्ट्री ऑफ टर्की है जो किताब उसके उसमें आप अगर पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि यह मुसलमान ही नहीं था ठीक है लेकिन हमने उसको अल्ट्रा मुस्लिम नेशनलिस्टिक लीडर के लिहाज से उसको प्रोजेक्ट किया है जो कि ईसाइयों की गर्दनें उड़ा रहा है और स्लीबें गिर रही हैं वो जो क्रॉस है वो गिरता हुआ दिखाई दे रहे हैं तो वो मतलब मेरे मैंने भी वीडियो बनाई थी इस पर वो बच्चे जो है ना वो तलवार छोटी सी पकड़ के खड़े हुए हैं कोई साउथ पंजाब का एरिया है और वो कह रहे हैं कि हमने काफिरों की गर्दने उड़ानी है ये किया आपने और आने वाली जनरेशन को जो इन कर रहे हैं आप लोग इसके इतने फार रीचिंग इफेक्ट्स होंगे कि जो वही जिया वाले टाइम के थे और फिर वही होता है जो आपने जिया वाली बात की वो मिर्जा असलम बेग जो थे वो लास्ट मोमेंट पे किसी और तैयारे में बैठ गए थे उस उस वाले एयरक्राफ्ट में नहीं बैठे थे और जब उनको वो एयरबोन ही थे जब उनको खबर मिली कि जया का तैयारा गिर चुका है तो वहाँ नहीं उतरे इस्लाम चले गए वो बाद में और जो यू एस सेक्रटरी ऑफ द स्टेट था उसने भी कहा कि इसकी कोई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए एफ बी आई को कहा एफ आई आई को कहा कि दूर रहो इससे जो एफ बी आई थी आई के सुन की तो वो सारी मतलब मिल के करवाया है सारा कुछ और आगे भी यही होता है डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं ऐसे लीडर और तारीख में भुला दिए जाते हैं इमरान खान साहब को यह समझ नहीं आती कि आप जैसे हजारों पहले आए हैं जिनका नाम भी किसी को याद नहीं है आप

उन्होंने बोला अगला इमरान खान है पक्का वुड दे चेंज इट आई देंजेड लाइक शर्त लगा लो दस साल सिविलियन प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं आ सकता वो जितना भी पपेट हो जितना भी वो हा हा करे जब दस साल एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर आए तो उसकी कुछ तो इज्जत होती है कुछ तो उसकी लेगेसी होती है और ये कभी नहीं होने देंगे कि एक दस साल सिविलियन प्राइम मिनिस्टर की लेगेसी बन जाए या नाम की भी डेमोक्रेसी है उसकी भी इज्जत हो जाए वच योर टेक ऑन दिस डिबेट मेरा तो पाकिस्तान के अंदर मतलब वो, एक होता है ना कि पॉलिटिकल साइंस में जो आप जो है वो थ्योरेटिकली किसी चीज़ को प्रडिक्ट करते हैं कि यार ये आगे होने जा रही है पाकिस्तान में तो ऐसा चक्कर ही कोई नहीं है ना यहाँ कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो कि आज दो तीन साल बाद की प्रोडक्शन दे रहा है वो बेवकूफ़ होगा शायद जो सॉलिड बात कर रहा हो कि एन यही बात होने जा रही है उसकी वजह कि इतना वॉलेटाइल सिस्टम है कि एक दिन उठते हैं जी वो जो असल बादशाह हैं और वो सोचते हैं कि यार आज ये करना है और वो हो जाता है और सारे के सारे तज्ए सब कुछ गलत साबित हो जाता है तो इतना सॉलिड तो कोई बात नहीं कर सकते लेकिन मेरा ख़्याल है कि दोबारा से भी अगर ये इलेक्ट हो जाते हैं या किसी तरह से इनको पावर मिल जाती है तो क्वेश्चन तो वही है कि अगर सिविलियन वो मतलब वो कॉल पापर कहता है ना कि क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन रूल कर रहा है क्वेश्चन ये है कि उसको पावर कितनी दी हुई है आपने और उसकी पावर इतनी है कि वो अनचेक्ड है या उसको निकाला जा सके तो यही बात है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर दोबारा भी इनकी गवर्नमेंट आती है तो मतलब इन्हीं लाइंस पे चलना पड़ेगा जिस टाइम पे डिसेंट दिखाएंगे जिस टाइम पे पोजीशन लेंगे कोई जिस टाइम पे कहेंगे कि कोरोना वायरस का लॉकडाउन मैं नहीं लगा सकता तो मेरे मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है अब मैंने पावर सीज करनी है अब मैं जो कहूँगा वो होना चाहिए इस मुल्क के अंदर उस टाइम फारिग हो जाएंगे बोरिया बिस्तर गोल होगा इनका एक दो केसेस खोलेंगे नैब के अंदर हेलीकॉप्टर केस या बनी गला केस और पेशियों पर पेशियाँ शुरू हो जाएंगी सुबह आठ बजे पहुंचे होंगे नैब के दफ्तर इस्लाबाद में जिस तरह नवाज शरीफ ने एक सौ दो पेशियाँ भोग थी तो मेरा ख्याल है कि ये इट्स इट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन इमरान खान हिमसेल्फ कि वो किस तरह से जो है ना वो कॉपरेट करता है माई बाप के साथ अगर करता रहेगा तो चलता रहेगा जिस दिन कहेगा नहीं यार मेरी भी कोई बात सुनो तो उस दिन कहेंगे ठीक है आप पहले आप के पेश हो जाए फिर सुनते हैं आपकी बात यार दसा, अगर अगर इफ ही प्राइम मिनिस्टर अगेन एंड स्टिल डजंट शो तो मैं तो शॉक में चला जाऊंगा मतलब खुद भी बंदा अपने आप को आइने में देखता है कि यार मैं मतलब दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर बन गया हूं

ये एक नकली क्लोन इमरान खान है, तो <laughs> मैं, मैं तो तो है खिताब किया था कौम से देख ये मेरी मेरी जंग नहीं है ये आपकी है मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है उन्होंने ये नहीं बताया कि पैसे लेने के लिए पावर में नहीं आते लोग पावर लेने के लिए आते हैं और अल्लाह का दिया सब भी हो उसके बावजूद यू कैन क्रेव फॉर पावर और उन्होंने ये भी कहा था आपने ये नहीं देखना कौन खड़ा है आपने बल्ला देखते हैं जो सबसे बुरी एडवाइस है कि देखो ही नहीं आमिर लियाकत खड़ा है आगे या चोर खड़ा है देखना ही नहीं है आपने बस आपने बल्ला देखना और आपने वोट दे देना है बंदा देखो ही नहीं <laughs> सही नहीं वो तो ऐसे ही है जी वो उसके बाद भी मतलब किसी हद तक ये था कि जो जिन लोगों को एक्सपेक्टेशंस भी थी उसमें से मैंने देखा है सेवनटी एटी परसेंट की रिवर्स हो चुकी हैं वो जो 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 थर्टी फोर्टी परसेंट पीछे हैं वो तो वो है ना कि यार इमरान खान चाहे यहाँ पर कोई अटामिक बॉम्ब का धमाका भी कर दे हम तब भी उसके साथ हैं तो वो तो जो कल्ट वर्शिपर्स हैं वो तो कभी कन्वर्ट नहीं होने वाले लेकिन मैंने देखा है मेरी वीडियोज़ के ऊपर ऐसा फीडबैक आता है या और बहुत सी जगहों पर आता है आपकी वीडियोज़ पर भी शायद आता हो कि यार हमने पी को वोट किया एंड वी रिग्रेटेड कि ऐसा नहीं होना चाहिए था कि यार इस बंदे ने तो बिल्कुल आके हमें जो है वो मतलब जिस तरह से लेजिस्लेट किया है हमारे तो जो है वाइल्डस्ट ड्रीम्स में भी नहीं था कि यार ये ऐसे की गवर्नमेंट निकलेगी ये तो ये है कि डिसअपॉइंटमेंट बहुत फैल चुकी है और मेरा ख्याल है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी हो तो बहुत ज़्यादा जो है वो एक लिहाज से उसमें फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे पावर के बहुत ज़्यादा और नोन लीक को तो आपको पता है वैसे ही अभी फिलहाल साइड लाइन किया हुआ है और मरियम नवाज की पॉलिसी की ओवर बड़ी रेजिस्टेंस थी शहबाज शरीफ ने बहुत कोशिश की है कि वो किसी तरह खुश करें लोगों को और अपीज करें आप लोगों को जाकर बताऊंगा कि मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता कि हम काम करेंगे नवाज भाई आप वापस में आएंगे उन्होंने बोला चले भाई <laughs> ये अपनी बातें कर रहे हैं बेचारे को अपना नुमाइंदा खुद रखना पड़ा

बस वो रेकनसाइल नहीं कर पा रहे सारे मिल के भी कोई एक एजेंडा नहीं बन सक रहा और ये सारी पोलिटिकल फोर्स जो है ये इनफेक्चुअल है ये असल में कोई चीज़ बदलने के काबिल ही नहीं है उसकी वजह ये है कि ये सारे के सारे स्टेक होल्डर्स हैं उसी सिस्टम में जिसके खिलाफ हम सारे बात करते हैं कि यार ये नहीं होना चाहिए ये जो है ना वो एक लिहाज से एडवास कर रहे हैं अपने इख्तियार से आगे तो नवाज शरीफ वगैरह हों या इमरान खान हो या ये सारे हों मुझे तो लगता है कि दे आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ दबलिशमेंट नॉट समथिंग आइसोलेटेड एंड डिफरेंट फ्रॉम देट क्योंकि ये उसी मशीनरी का एक पहिया है ना जिसको जो टोटल ऑपरेशन को पाकिस्तान में सुपरवाइज करती है तो इन्होंने उसी में से जो है शेयर लेना होता है अपनी पावर का उसी को अपीज़ करना होता है उसी की जबान बोलनी होती है तो इनका सिर्फ मुकदमा ये है कि हमें चूज कर लो पी को निकाल दो अपने वॉइस के तौर पर और तो कुछ नहीं है ये सिस्टम तो नहीं बदलने के लिए आया यहाँ पे और जो इनसे एक्सपेक्ट करता है कि रेवोलूशनरी बन जाएंगे मेरा ख्याल है बेवकूफी कर रहा है बहुत बड़ी ये मुझे हमारी बिरादरी से बड़ी गालियां पड़ी थी बट जब पीडीएम लॉन्च हुई थी मैंने यही ट्वीट किया था कि शिकायत ये नहीं है कि वो सिलेक्टेड है शिकायत ये है कि हम क्यों नहीं सिलेक्टेड हैं मतलब मौलाना फजल रहमान अगर आपका प्रेजेंट होगा जिसकी लीड वीडियोस हैं जिसको तो आप जो करवाना चाहें इमरान खान से भी आई थिंक ज्यादा वो बिछकर बन सकते हैं प्राइम मिनिस्टर बस वो खूबसूरत हैंडसम नहीं है दैट्स इज ओनली प्रॉब्लम वरना तो मौलाना फजल रहमान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे बिल्कुल वो तो कहते हैं जी पीटीएम दहशतगर्द जमात है और तालिबान जो है वो बड़ी पुरातमद गवर्नमेंट है उनकी साथ साथ मिसनिस्टिक कितने हैं वो भी आपको अच्छी तरह पता है और कितना खातिन का किरदार है उनकी पार्टी के अंदर और चीज़ें क्या है तो डेमोक्रेसी की आप बात कर कैसे सकते हैं आप पी को कैसे लीड कर सकते हैं अगर आपकी इतनी जो है ना वो प्रेजिडस पे बेस्ड पॉलिसीज़ हैं कुछ लोग कहते हैं ज़िया के खिलाफ कैंपेन चलाई इन्होंने और बहुत मतलब अच्छा रोल प्ले किया उस टाइम पे डेमोक्रेसी के लिए ये वो मैं तो समझता हूँ सब बकवास है अगर देखा जाए तो जिस तरह से वो रेडिकलाइज करते हैं अपने फॉलोअर्स को जिस तरह से उनको डिल्जन बेचते हैं वो मेरा ख्याल है कि बहुत डिस्ट्रक्टिव है और इसी तरह ये सारे पीडीएम का जो मामला है ये भी इस तरह है सरदारी साहब ने भी कह दिया था कि यार अब हम आवाम को स्टेब्लिशमेंट से लड़ा नहीं सकते तो बस क्लियर होगी बात और क्या क्या करना है आपने और उसके बाद में ये भी कह दिया कि नवाज शरीफ साहब इतने रेवोल्यूशनरी ना बने वापस आए कुछ करना है तो ये ये, बात सरदारी की कि भाई मैं भी तो दस साल जेल रहा ना

उतना ही इंटरेंस्ट है एस्टेब्लिशमेंट में जब बच्चों को भी पढ़ाया जाता है और ये सिंगल नेशनल करिकुलम तो ब्लेटेंट है बट हमेशा से यही हो रहा है आपने भी कोर्ट किया मैंने भी कई दफा कोर्ट किया आयशा जलाल जो कहती हैं कि हमने हिस्ट्री को आइडियोलॉजी से रिप्लेस कर दिया है जब आप बोलते हैं अयूब खान डेकेड ऑफ डेवलपमेंट पहली आपको जो चीज समझ में आती है जो इतनी बड़ी हेडलाइन आती है अयूब खान डेकेड ऑफ डेवलपमेंट उसको खुरेदे तो पता चलता है जी एक तो अमेरिकन एड पे चल रही थी दूसरा बाईस फैमिली अमीर हो रही थी

बिल्कुल अयूब के टाइम पे तो ये भी जो मॉडर्न मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है इसके बानी अयूब खान साहब मिलिट्रील जिन्होंने कहा कि नहीं जी ये वेलफेयर ट्रस्ट के नाम पे जो है ना वो और भी चीजें होनी चाहिए बिजनेस भी करना चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज बननी चाहिए जिसमें प्लॉट मिलने चाहिए तो वो आर्किटेक्ट हैं हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आर्मी एक किताब है वो मुझे भूल गया राइटर का नाम उन्होंने सारा क्रेडिट ही अयूब को दिया है जो जिन लाइन्स पे ये अभी ऑपरेट कर रहे हैं वो सारा उसको और साथ साथ पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस के मीडिया की सेंसरशिप का आगाज़ करने वाले पाकिस्तान में यूब खान है उसके अलावा एपडो अलेक्टिव बॉडीज डिसकॉलीफिकेशन ऑर्डर जिसके तहत मुजीबर रहमान शेख मुजीब को भी इन्होंने बैन कर दिया था ईस्ट पाकिस्तान में सियासत में हिस्सा लेने से जिससे आगाज हुआ ग्रीवेंस का बंगालियों के अंदर पहले जन्ाब ने थोड़ा बहुत किया इन्होंने तो आके और ज्यादा कर दिया ना उसको कि इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी लगा दी पता नहीं कौन सेलिब्रेट करता है इन लोगों को जो सारी डेवलपमेंट तरबेला मंगला डैम बने सारे यू एड बने आपने सीटो सेंटो साइन करके जो एड ली उससे इंडिया में मांस खोल दिया जिसको आपने दो तीन दिन पहले सेलिब्रेट किया अभी ऑपरेशन जबराल्टर का नाम भूल जाते हैं आप ये भी भूल जाते हैं कि नूर खान जो कि एयर वाइस मार्शल मार्शल थे पाकिस्तान एयरफोर्स के जो है ना उनको हेड कर रहे थे उस टाइम पे जिसने बचाया पाकिस्तान के मेजर सिटीज़ को फॉल होने से लाहौर हो या सियालकोट हो और शहरों वो खुद कहते हैं कि हमने नहीं किया था मतलब ये रिएक्शन नहीं था हमारा एक्शन था पहले और उनको बताया ही नहीं गया था कि यार वो जब राटर हो चुका है उन्होंने बाद में कॉलें कर करके कर पूछा इनसे कि यार क्या पोजीशन चल रही है जिन जिन्होंने मेन डिफेंस लाइन जो है ना वो होल्ड करनी थी और आपने 65 की वॉर में पूरे ईस्टर्न बॉर्डर पे बंगाल के अंदर पाकिस्तान आर्मी की कोई डिप्लॉयमेंट ही नहीं थी खाली छोड़ा हुआ था बॉर्डर को सो so, बंगाली एक्चुअली गॉड टू नो दैट दे डोंट गिव अ शिट अबाउट अस जब हमारा पूरा बॉर्डर ही खाली पड़ा हुआ है आके कोई भी ले सकता है उसको तो हमारी कहाँ से परवाह है इन लोगों को तो वो जो आगे जाके 71 होता है ना उसके बड़े ट्रिकल डाउन इफेक्ट वो अयूब से शुरू होते हैं जो उसको क्रेडिट देते हैं उनको ये पता नहीं है कि वो सारा अमेरिकन मनी था जिसको यहाँ पे लगाया आपने और वो जो है ना वो डेकेड ऑफ डेवलपमेंट शुरू हो गई तो हमेशा से एक वार ड्रेवन इकानमी थी जिसको पम्प करके इन्होंने जो है डेवलपमेंट किया मुशरफ ने भी ऐसे किया था उस टाइम पे जितने यू एड से पैसे आए वो लोकल इकानमी में इंजेक्ट किए और उससे लोगों को लगा कि खुशहाली आ गई है यहाँ तो इसी तरह के इंसाइट नहीं है बस पढ़ना नहीं होता लोगों ने ये बात करने से पहले या यही तो होता है कि आप पढ़ा रहे क्या है सिखा रहे क्या है 6 आ, आपने शुरू की और फिर उसका नाम डिफेंस रख दिया एंड इवन अभी किसी ने बहुत ही लंबा कमेंट किया हुआ था किसी पोस्ट पर मेरी के एक्चुअली सेवेंटी वन तो इंडिया की साजिश थी यार होगी बिल्कुल होगी मतलब ये जो आप डिफेंस गेट आउट ऑफ जेल कार्ड प्ले करते हैं ना रॉ रॉ एजेंट या उदी एजेंट हैं हमारे पास प्रूफ है कि जी टीटीपी फंड है, करता है यार आप तो गले हुँ. मिल रहे हैं ना शाह महमूद करे हमारे भाई जैसे हैं डीप पॉकेट्स आर आर्स तालिबान आर आर एसेट्स तो वो आप तो गले मिलते हुए आपकी तो पब्लिक तस्वीरें आ रही है तो ये मुल्क एक दूसरे मुल्कों में स्ट्रेटेजाइज करते हैं क्या रॉ फंड करता होगा टीटीपी को बिल्कुल करता होगा क्या रॉ फंड करता होगा सेपरेटिज्म को अपेरेंटली फंड करते हैं तो, तो हिस्ट्री है बुक्स में लोगों को क्या सिखाया जाता है जी, ने मुल्क तोड़वा दिया वो एक सिविलियन मिनिस्टर आई कानू यू म्यूटेड अगेन जी थी मैंने सुना नहीं आप जो कह रहे थे या? મે કહે રહા હું કે વોહી બાત હે ને કે આપ સખા ગયા રહે હમારી નેશનલ નેરેટિવ ક્યા હે ભુટ્ટો ને મુલ તોડવા દિયા ભુટ્ટો ને 71 કરા દિયા યસ હી વોઝ ઈગર ટુ પાવર ઉસકો એક રૂટ નજર આ રહા થા કે ભાઈ તુજે બના દેંગે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર તુને યે બાતે કરની હે ઉસને કી બિલકુલ કી લેકિન એક સિવિલિયન મિનિસ્ટર પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ભી નહીં થા ઉસ વક્ત બલકે ઇન ફક્ટ ઉસ વક્ત જબ ઇલેક્શન લડા તબ તો થા ભી ન ઇરેજિન કર ચુકા થા ઉસકી ક્યા મજાલ કે વો પૂરી એક આર્મી ગવર્ન કરે 23 પાકિસ્તાન ઉસમે

I'm going. Yeah. I got a call from my uh, son. He said, yeah. "Don't sign this. My country harkens for me." Full <laughs> <laughs> silence. I'm going back to my country. <laughs> yeah. Share. <Yeah>. Share. <laughs> 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 बस यही जी इतनी oratory जो है ना ये ये स्किल्स भी देख के क्या ही बात है वो तो वो क्या उसका नाम है? Nixon ने जो है ना वो कैसिंगर को कहा था कि इज़ एन एबसल्यूट डेमोकॉग नो इज़ एन एक्सपर्ट इन मेकिंग फूल वो यही वही बात है कि वो बस फायरी स्पीचेज और वो सारा कुछ तो उससे बहुत इंप्रेस थे लोग उस टाइम पे लेकिन बात ये थी कि वो उन्हीं की विल एग्जीक्यूट करने के लिए था और उसमें जो आप बात कर रहे हैं उससे एग्री करता हूँ कि इत, इतना जो है ना वो बैकबोन नहीं थी कि वो सिंगल हैंडली कर देता कि यार ये मैं नहीं चाहता कि ये हमारे साथ रहें और टूट जाएँ और ऐसा कुछ हो जाए बहुत लंबी तारीख है उसकी बहुत किताबें लिखी गई हैं उसके आप पढ़ सकते हैं बट वही है ना कि वो जब मुजीब के साथ मीटिंग चल रही थी भुट्टो और मुजीब की वो ऑन रिकॉर्ड है कि पांच पॉइंट तो अग्री कर लिए थे एक ही रहता था उसमें नेगोशिएटिंग चल रही थी uh, फिर जब गवर्नमेंट गिरी भी जो नेशनल अलायंस थी भुट्टो के अगेंस्ट वो भी अग्रीमेंट रीच कर चुके थे लेकिन हक ने मार्शल लॉ लगा दिया सो so, अगर आप एक पोलिटिकल क्लास बनाएं भले जैसे भी बनाएं कि जी नवाज शरीफ भी वो में पले हैं भुट्टो भी इनकी ही गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे एक दफा आपने बना दी अगर लेट्स भुट्टो की गवर्नमेंट होती है सत्तर में अब तक आपकी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस अगर बीच में दो जो मार्शल लॉ और आए वो नहीं आए होते आई एम काउंटिंग हाइब्रिड ऑल्सो वो एक लेवल पे आ चुकी होती आपने सिर्फ इतना देखा कि आपने दो पीपीबी पीएमएलएन की गवर्नमेंट्स अगेन वो ही एक इंट्रेंच्ड पॉलिटिकल इलीट उसके बावजूद अमार अली जान जैसे लोग पॉलिटिक्स में आए हैं अमार राशिद जैसे लोग पॉलिटिक्स में आए हैं जबरान नासिर खड़ा हुआ मोहसिन दावर अली वजीर ये दो क्लासिक आपकी पोलिटिकल इंटरेन्ट इलीट की पार्टीज की भी डेमोक्रेसी के बाद आप ऐसे लोगों का आना देख रहे हैं इस पूरी मूवमेंट की आपने टांगें तोड़ दी और फिर आमिर लिया जैसे लोग बिठा दिया

उसकी वजह यह है कि हर वो इंसान जो मार्क्सिजम पे तनकीद करे वो अगर न्यू कंजर्वेटिज्म है तो आप खुद है ना उतार दें फिर जो है ना ये वाली जो सारी दुनिया को एक ही लेंस से आप देखते हैं ना जो आपको सारी हिस्ट्री जो है ना वो क्लास स्ट्रगल के अलावा कुछ नजर नहीं आता और एक यूटोपियन थिंकिंग आप बना के बैठे हुए हैं तो मैं नहीं समझता कि आई एम इवन क्लोज टू दैट और इसके अलावा कोई कोई न्यू एथीस्ट कह रहा है कोई कुछ कह रहा है कुछ कह रहा है तो लेट दम सेट आई बिलोंग टू अर्टिकुलर का

जंग बाइडन ने भी करनी है बंदे ओबामा ने भी मारे ट्रम्प ने भी इनफैक्ट ट्रम्प ने शायद मिलिट्री uh, इंटरवेंशन कम की बोला भाई हमारा कोई ताल्लुक नहीं, नहीं अमेरिका में फोकस करें और डेमोक्रेटिक पार्टी जो कहती है जी हम तो लिबरल हैं वो ज्यादा जंग में अभी वो सीरिया में भी बॉम्ब कर दिया बाइडन ने और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में वो है तो क्या आपकी तनकीद है कि रेडिकल आई एम सिंस यू मेंशन मार्क्सिज्म कि जी रेडिकल लेफ्ट मे बी हैज इट रॉन्ग एंड दैट्स नॉट द वे टू डू इट इज दैट योर एंडशन and why is is it it? if that is it? well I think जहाँ तक order ki की बात है तो मैं उसको हमेशा से ना मतलब मैं उसको lens में देखता ही नहीं मसला ये है कि मतलब ये लोग कहते ही हैं कि यार अगर कोई democratic party है और वो बड़ी inclusive government बनाती है अपनी और वो ह्यूमन राइट्स की बात करती है humanism की बात करती है सेकुलरिज्म की बात करती है और उसके बावजूद वो ओवरसीज लोगों को मारती है चाहे वो इराक़ में बॉम्बिंग कर रहे हो या कहीं और कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा तजाद है और वो कहते हैं कि इसीलिए ये सारी की सारी जो रेजिम्स हैं ना ये ओप्रेसिव हैं तो मेरा ख्याल है कि पहली बात तो ये है कि जो रेडिकल लेफ्ट की रेजिम्स रही हैं या फिर लेफ्ट गवर्नमेंट्स रही हैं दुनिया में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स रही हैं दुनिया में बेशक वो माओजे डोंग की हो या फिर वो स्टालिन की हो या फिर मतलब इस तरह की कोई भी गवर्नमेंट हो तो बस फ़र्क ये है कि उन्होंने जो वेस्टर्न इम्पीरियलस्ट हैं उन्होंने ओवरसीज़ में लोगों को मारा है इन्होंने अपने लोगों को मारा है मतलब अस्सी मिलियन सालिन ने मार दिए थ्री टाइम्स मोर देन हिटलर डेड ठीक है माओ ने क्या किया वो भी आपके सामने है कि वो मैसेकर एक इतने बड़े स्केल के ऊपर जिसकी वो मिसाल नहीं मिलती पहले उसके अलावा मलेशिया इंडोनेशिया में क्या होता रहा तो ये चीज़ है कि फ़र्क ये है कि वो सोवियत गुलाग्स जो बनाए थे ना सालिन ने जिसमें अपने ही जो है ना तकरीबन दो मिलियन वर्कर्स को कैंप्स में बांध बांध के मारा था उसने तो वो इनके लिए जो है ना वो सही हैं और जो बाहर ओवरसीज़ वॉर्स होती हैं जो वेस्ट की वॉर्स होती हैं जैसे इराक वॉर है या अफगानिस्तान की वॉर है अमेरिका की वो इनके लिए गलत होती हैं तो बेशक मैं उनको भी जस्टिफाई नहीं कर रहा मैं ये कहता हूँ कि जो इंटरनेशनल पोलिटिकल ऑर्डर है ना उसमें एन चलती है और उसमें मुझे मैक ज़्यादा समझ आता है उसमें आइडियलिज्म नहीं होता और पावर जो है वो ह्यूमेन तरीके से एक्ट ही नहीं कर सकती क्योंकि पावर जो है वो मॉरल उसको उससे कोई मोरालिटी एक्सपेक्ट करना पहले ही जो है ना वो प्री सपोजिशन गलत है और इसके अलावा अगर हम अमेरिकन पॉलिटिक्स की बात करें तो अमेरिका की जो सारी गवर्नमेंट का जो सेटअप है जिस तरह से वो कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ है इट इज़ जस्ट टू प्रोटेक्ट द अमेरिकन लाइफ नथिंग एल्स इट डजन एक्ट इन द फेवर ऑफ द अदर कंट्रीज वो ओवरसीज क्या हो रहा है बच्चे मर रहे हैं या किसी पे बॉम्बिंग हो रही है उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो उसकी वजह यह है कि उनकी जो रजीम है उनकी जो स्टेट है वो बनी ही अमेरिकन लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर आप मुझे बताएं

कोई ना उसमें दिखाया ही हुआ गया कि सी आई ए जो है वो पैसे लेके बंदों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी करती है उसके अलावा सीक्रेट स्पेल करती है स्पाइंग करती है आप अंदाज़ा करें कि यहाँ पे ऐसी मूवी बन सकती है कोई ऐसी आ, हम आर्ट के अंदर इतना क्रिटिसिज्म कर सकते हैं तो ये चीज़ है कि वो जो मैं समझता हूँ कि हम कन्फ्यूज़ करते हैं डोमेस्टिक पॉलिसी को डोमेस्टिक आइडियल्स को इंटरनेशनल ऑर्डर के साथ और इंटरनेशनल ऑर्डर में किसी ने भी अच्छा नहीं किया मतलब किसी ने भी कॉलोनाइजेशन को अवॉइड नहीं किया और किसी ने भी ह्यूमेनली एक्ट नहीं किया

एक हद तक कर लेते हैं बर्दाश्त बट फिर आपको ये भी देखने की जरूरत है कि जिस तरह संजय रजोड़ा इंडिया में आर्ग्यू करते हैं कि करण जौहर ने एक इंडियन सेटअप बनाया जिससे हिंदुत्व मूवमेंट आई वो एक उन्होंने रूट्स रखे तो उसी तरह ये जो मार्वल की मूवीज आप देखते हैं इट्स अटरफॉर फॉर अमेरिका या कैप्टन अमेरिका के जो कॉमिक्स अब तो फिर भी फैल्कन विंटर सोल्जर में थोड़ी नुआंस आ गई है बट तो हिस्टोरिकली कैप्टन अमेरिका अगर हिटलर को मुक्का मार रहा है तो उन्होंने भी वो मीडिया वाला एजेंडा किया तो आपकी जो स्टेटमेंट थी अमेरिकन स्टेट इज इंटरेस्टेड इन प्रोटेक्टिंग द अमेरिकन लाइफ अगर मैं उसको थोड़ा सा चेंज करके ये बोलूँ दी अमेरिकन स्टेट इज इंटरेस्टेड इन प्रोटेक्टिंग द अमेरिकन लेबर उनको भी जिंदगी से कोई फर्क नहीं है तो अगर कटरीना आता है अगर काले गरीब लोग मर रहे हैं उनको मारने दो तो जो अमीर लोग हैं उनको बचाओ हमारे यहाँ भी फ्लड आते हैं तो कैश क्रॉप पहले बचते हैं गाँव बाद में बचते हैं गाँव डूब जाए कैश क्रॉप ना डूबे तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें कि जी जो वॉर मॉन्गरिंग जनरल्स हैं जो कह रहे थे जंग करते रहो करते रहो करते रहो या रेडियन है वो बनाते रहे अमेजोन टैक्स ना दे जो अवाम है वो रोडों पे आए एक तो शायद जो लोग अमेरिका नहीं गए उनको परसेप्शन आती है कि पैसा ही पैसा है सब अमीर है न्यूयॉर्क में आप जाएं हर सड़क के कोने पे एक होमलेस बंदा मिलता है आपको

क्या पूरे मुल्क में वेटरस को दस परसेंट पंद्रह परसेंट हर चीज पे इवन प्राइवेट एंटिटीज देना शुरू हो जाए जो कि एक्चुअली करना चाहिए वहां वेटरस डे पे स्टार भी डिस्काउंट देता है ये भी करता है डिफेंस डे पे हमें भी देना चाहिए माई इज is वो द क्रीम एट द टॉप दे टेक एवरी और यहाँ पे भी नॉर्मल सिपाही को इतना ज्यादा फायदा नहीं मिलता बट हम डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं उस पर सो या जो अमेरिकन स्टेट है वुडन जू उनको भी आम अमेरिकन की जिंदगी से कोई फर्क नहीं है वो काम करता रहे पैसे बनाता रहे और जो इलीड कैप्चर वहां पर भी है

या फिर जो डेग चीनी की अभी हम बात कर रहे थे ये जिस कंपनी का सीई था इराक में उसे कॉन्ट्रैक्ट मिले थे ऑयल पम्प करने के जब इराक वॉर के बाद और इसने खुद वहां पर भी वो पोजीशन संभाले रखी और तकरीबन चार पांच बिलियन डॉलर्स उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया उससे और सब कुछ गवर्नमेंट के सामने हो रहा था किसी ने उस उसपे केस भी नहीं चलाया कि यार जो वॉर आपने खुद स्टार्ट की थी उसी से आपकी अपनी एक प्राइवेट कंपनी जिसके आप सीई रह चुके हैं उसे कॉन्ट्रेक्ट किसने दिलवाए किसने वहां से पैसा जो है ना जेब में डाला अपनी तो वो शुरू से ही को रही। नहीं सॉरी मेरे दिमाग में हुआ था, है, नहीं। जी, जो मैं डिकीन कंपनी की, की बात कर रहा हूँ तो वो मतलब शुरू से कॉरपोरेशन को लेकर मेरे कहने का मतलब ये है बाइस रही है और उसने आम आदमी के इंटरेस्ट से ज्यादा कारपोरेशन को देखा है इसमें कोई शक नहीं है अगर आप वो किताब पढ़ लें ब्रिगेडियर्स मेडली बटलर की एक किताब है Seal, तो रैकेट, वो तो वो और किताब है बेकर की है जो मैं दूसरी बात कर रहा था तो वॉर इज अकेट अगर आप पढ़ें तो उसमें भी यही था कि यार वो जो लेदर कंपनीज कम्प, जो है वो बूट बना रही हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे और जो है ना वो एमुनेशन बना रही हैं किस तरह से उन्होंने फायदा उठाया वॉर से और किस तरह से कैपिटल जनरेट करते हैं कॉन्फ्लिक्ट से अगर वो कैपिटल कैपिटल जनरेशन की ये मैकेनिज्म वॉर का ख़त्म हो जाए तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है ना वो बैंक हो जाएगी तो मैं उससे डिसग्री नहीं करता कि वो वहाँ पर कोई जो है ना वो बेसिक यूनिवर्सल इनकम भी नहीं है अमेरिका के अंदर और वो हेल्थ केयर का सिस्टम भी कैनेडा वाला वहाँ पर नहीं आया अभी तक मैं तो सिर्फ आइडियल्स की बात कर रहा हूँ कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करें या फिर एक लिहाज से फिर वही बात किसी पी डी करूँगा कि जो जॉन लॉ की फिलोसफी की जो रिफ्लेक्शन है जो पहली पहलीरियलाइजेशन थी वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था उसका जिसके बारे में नहीं है, मेरा ख्याल है। उस पे दो ही है। एक स्टॉक कंपनी में स्टॉक था जो कि स्लेव ट्रेड कर रही थी और दूसरा ये कि उसने केरोलाना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जो कि स्लेवरी को प्रमोट कर रहा था दोनों ही इनसाइटफुल नहीं है मैं समझता हूँ और कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है उसका तो उसने जो शुरू से मतलब जो आइडियल्स थे उसके उसकी पहली मटेरियलाइजेशन मुझे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में नजर आती है ये मेरा गुनाह है पहली बात यह दूसरा गुनाह मेरा ये है कि मैं ये समझता हूँ कि डिवाइन राइट ऑफ किंग्स से निकलने वाला जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था वो भी अमेरिकन था जो कि उससे पहले बड़ा ओप्रेसिव था यूरोप के अंदर ये सारा सिस्टम जो चल रहा था इसको भी निगेट करने वाले वो थे और अमेरिकन रेवोल्यूशन की सक्सेस को मैं लॉर्ड करता हूँ शुरू से इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में इट वॉज अ वेरी सक्सेसफुल रेवोल्यूशन उसकी वजह है कि इवन फ्रेंच रेवोल्यूशन वो चीज़ अटेन नहीं कर पाई जो अमेरिकन रेवोल्यूशन ने की और बेशक वो एक्सपेंस पे आई इंडियंस के जो वहाँ पर पॉपुलेशन थी और सारा कुछ था उसमें लेकिन बात ये है कि मैं ये ये समझता हूँ कि इससे पहले इंसानी तारीख में कभी भी इंसानों के लिए इंसानों की फलाह के लिए या फिर उनकी आज़ादी के लिए उनको पावर नहीं दी गई इतनी जितनी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मिली थी अब वो कितनी इंप्लीमेंट होती है नहीं होती लेकिन आइडियल्स की अगर बात करें तो हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट आप उनसे कंपेयर कर लें हमने तो सिर्फ मांगा ही है ना कि हमें हिंदू से अलदा कर दो बस डेट्स एट हमने तो वो एना तो लिवन कहता है कि नगोशिएटेड स्टेट बनाई 1946 के इलेक्शन में जनाब साहब ने सबसे ही वादे कर लिए कि अहमदी वाले भी आ जाएं जी ये भी आ जाएं बरेलवी भी आ जाएं सुन्नी भी आ जाएं लिबरल भी आ जाएं कम्युनिस्ट भी आ जाएं सबके मुताबिक पाकिस्तान तश्ल होगा लेबॉटरी बनाएंगे इसको तो वही बात है कि लेबॉट्री में अभी तक एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं लेकिन वहाँ क्लैरिटी है वहाँ फर्क ये है कि क्लियर है उन्हें पता है करना क्या है जनरल मकैनजी ने अभी रिसेंटली जो लास्ट ईयर स्टेटमेंट दी थी जब राइट्स हो रहे थे वाइट हाउस के बाहर ट्रंप के जाने से पहले तो उसने यही कहा था कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन पे ओथ लिया है बाइबल के ऊपर नहीं लिया ना किसी और चीज़ के ऊपर लिया है और हमारी लॉयल्टी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की जो वैल्यूज हैं मैं तो मुझे वो बहुत आइडियलिस्टिक लगती हैं और इससे बहुत ज़्यादा मसला होता है लेफ़्ट को क्योंकि लेफ़्ट जो है वो हमेशा प्ले ये करती है कि हम बहुत ज़्यादा मतलब कमज़ोर हैं और हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है हमारे साथ बहुत जुल्म हुए हैं हमें कॉलोनाइज़ किया गया है बाहर से आके हमारा कल्चर डिस्ट्रॉय कर दिया हमारे चीज़ें ले गए यहाँ से देखो कितने बुरे लोग हैं लेकिन उनको ये समझ नहीं आती कि जब आप लोगों की जो एथनिक आइडेंटिटी है जहा जहाँ इनको ताकत मिली वहाँ इन्होंने भी यही किया वो ह्यूमन नेचर के मुनाफी चले जाते हैं उन्हें समझ ही नहीं आती कि पावर जो है ना वो अपना रास्ता खुद बना लेती है वो कोई एथिक्स को कंसिडर ही नहीं करती आपको किसने कहा था कि आप दस बीस हजार जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स थे उनके आगे सरेंडर कर दें हमने कहा था आपको कि यार आप उनको यहाँ पे आने दें और उनको वेलकम करें यहाँ पे ये यह राजा महाराजा जो उनके सामने लेट गए सारे जो जो लड़ नहीं पाए उनसे किसने आपको कहा था कि उनकी अथॉरिटी को आप एक्सेप्ट करें अगर कर लिया है तो शुरू से ऐसा रहा है एक प्रेडिटर होता है और एक प्रे होता है आप प्रे बन गए अब जितना मर्दी मातम करें उस पर वो बहुत बुरे हैं वो उन्होंने बहुत बुरा किया है उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं आएगी तो मेरा ख्याल है कि पर्सनल रिस्पॉसिबिलिटी को अवेड करने का जो जो स्कॉलरशिप है ना पाकिस्तान में ये बहुत डेंटिंग है ये आपको हमेशा विक्टिम बना के पेश करती है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे दूर ले जाती है और कहती है कि तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है तुम बहुत अच्छे हो तुम्हारी कोई गलती नहीं है कुछ लोग अपोलोजिया की हद तक चले जाते हैं कि वो एक्नोलेज भी नहीं करते हमारे भी मसले मसाइल थे बट वील्वी फॉर इंस्टेंस आपने जॉन लॉक का बात की जॉन लॉक की सबसे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है के भाई उसने एक लाइन बनाई और उसने बोला ये मेरा घर है जब आप कहते हैं ये मेरा घर है इसका मतलब होता है ये तुम्हारा नहीं है तो नेटिव अमेरिकन पर्सनल प्रॉपर्टी पर्सनल प्रॉपर्टी तो नेटिव अमेरिकन जो है उनके ना वो कंप्यूटर में वो सिस्टम ही नहीं गया आप मैक में विंडोज का सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं like, क्या होता है ठीक है माई लैंड डज नॉट मेक सेंस इट्स आर लैंड मतलब जमीन है सो इवन हम बॉर्डर्स की बात करें वेस्ट डेमोक्रेसी की बात करें वो उनकी इन्वेंशन है ना तो एक अगर मैक की सिस्टम पे दुनिया चल रही है उसमें आप विंडोज डालने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं चलेगा नेटिव so अमेरिकन की माय प्रॉपर्टी की कंसेप्शन ही नहीं थी इवन अभी जो ब्राजील में कर रहा है अमेजोन में जो लोग रहते हैं वो कहते हैं भाई ये हमारी जमीन है तुम इससे वो कहते हैं पाइपलाइन आएगी इससे तो मिलियन आएंगे बोलते हैं तुम्हारा दिमाग खराब है हमारी जमीन तबाह हो जाएगी हम मर जाएंगे एंड अब लोग कर रहे हैं कि दुनिया का इकोसिस्टम तबाह हो रहा है क्लाइमेट चेंज हो रहा है अगर हम क्लासिकली उनकी बातें मान लेते सो यस एक्सप्लोइटेशन महाराजा करते होंगे बिल्कुल करते होंगे मसले मसाइल हमारे भी इंटरनल थे बिल्कुल थे बट इवन हम रिलीजन की अंडरस्टैंडिंग अगर हमारी लें सब कॉन्टिनेंट में अक्सर रीजन की लें वो हम आज जो लिबरल्स बेचारे भीख मांग रहे होते हैं मैं तो अपने आप को इतना लिबरल कंसिडर भी नहीं करता वो उससे भी ज़्यादा लिबरल एक माहौल था और एक अब तक अगर जो सोशल मीडिया जहाँ जहाँ तक नहीं पहुंचा है या तबलीखी जमात नहीं पहुंची है नॉट टू सिंगल वो बड़े खुश रहते हैं होली भी मनाते हैं ईद भी मनाते हैं uh, so that colonial idea, हमारे बैड थिंग टू हैव दैट टेडिटरी इंस्टिंग हम यूएस की भी अगर बात करें नेटिव अमेरिकन जेनोसाइड की उन्होंने फिर फिर लिख दिया ऑल मैन जेनोसाइड प्रॉपर जेनोसाइड Hmm. उसके बाद जो अमेरिकन वेल्थ अक्यूमुलेट हुई वो स्लेवरी के बैक पर हुई दिस नो कि उन्होंने जो पैसे बनाए वो स्लेवरी पर ही बनाए थॉमस जेफरसन जिसने लिखा ऑल मैन इक्वल ही टू रेप मिलती है अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी में मिलती है और उससे पहले जो कैलिफोर्निया का गोल्ड रश हुआ था नाइनटीन एक्सपेंशन एक्सपेंशनिज्म हुआ था कि जब बारह कॉलोनीज से उठ के पचास बना ली उन्होंने तो नेचुरल रिसोर्स इतना ज्यादा मिल गया उसके अलावा जब पहली वॉर हुई थी जिसको ऑटम ने पहली वॉर अमेरिका के खिलाफ लड़ी थी ये बहुत ही कम लोगों को मालूम है और उस पर थॉमस जेफरसन ने भी लेटर लिखा था कि भाई कॉलोनाइजेशन हमने तो की ही नहीं थी आप हमारे खिलाफ क्यों जंग कर रहे हैं जब वो ऑटोमन जो आ, इनके सारे पायरेट्स थे वो जहाज लूटना शुरू हो गए थे तो फिर अमेरिका ने फौज भेजी थी पहली दफा लड़ने के लिए और ब्रिटेक्स ये बनाया था कि हमने कॉलोनाइज नहीं किया किसी को कभी भी तो वो लोग कॉलोनाइजर की साइड पे अपने आप को समझते ही नहीं थे तो जिन्होंने कॉलोनाइज किया था अमेरिका तो है ही कॉलोनी बेशक कॉलोनी थी लेकिन जब इमेंसिपेशन हो गई उसके बाद तो वो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते थे कॉलोनाइजर कॉलोनाइजर्स के साथ 1812 के अंदर या 15 के अंदर आके व्हाइट हाउस को जला दिया था इंग्लैंड ने और मतलब वो फोर्सेस ग्राउंड में घुसा दी थी, थी वहां से बड़ी मुश्किल से वो चंद जो है ना वो इनकी गवर्नमेंट के लोग निकले थे और भागे थे वहां से तो वो तो एट वॉर थे एक दूसरे के कनाडा के ऊपर वॉर चल रही थी यूके के साथ उस टाइम के ऊपर तो वो आइडेंटिफाई नहीं करते कॉलोनाइजर के साथ और ना मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने स्लेवरी इस तरह से प्रैक्टिस की है कि उससे पैसे कमा लिए हों क्योंकि पहली डिक्लेरेशन आती है स्लेवरी के खिलाफ वो थॉमस जेफरसन ने पैन की थी जिसके बारे में लोग कहते हैं उसने स्लेव रखे थे फिर वही बात कि वो ग्रेजुअल इमानसिपेशन पे यकीन करता था और लास्ट मोमेंट तक स्लेव्स को इमानसिपेट करता रहा लेकिन उस टाइम दो फैक्शन थे एक ये कह रहे थे कि फॉरन इमानसिपेट करो

ये तो को मरेंगे नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि जब इस्टमेंट हुई अमेरिकन गवर्नमेंट की पहले 1782 में वहां से यूके ने एक्सेप्ट कर लिया उनकी इकोनोमी को तो उसके बाद स्लेवरी में किसी हद तक कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी जो अमेरिकन फोर फादर्स थे उनकी सिवाय एक दो लोगों की जो कि इसके हक में थे और जो थोड़ा फायदा उठा रहे थे उससे लेकिन वो भी ग्रेजुअल ग्रेजुअलिपेशन पे यकीन करने वाले लोग थे और मैं आपको वही कह रहा हूँ कि यूनिवर्सल डिकलेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो एक बनाई थी वो दुनिया में पहली बनाने वाले अमेरिकन थे जो स्लेवरी के खिलाफ थी इसके अलावा जॉन लॉ की आप बात कर रहे हैं टू टीट ऑफ द गवर्नमेंट जो उसकी किताब है उसके अंदर वो हैरिडेटरी जो पावर है जो वो कहता है कि बादशाह के घर अगर शजादा पैदा हो जाता तो वही रूल करता है बाद में इसके खिलाफ है सारा आर्ग्यूमेंट उसका वो तो स्लेवरी की बेसिस को बम कर रहा है जिसपे हमें ये लगाते हैं तो बात यह है कि ऑन ग्राउंड मॉरल आर्ग्यूमेंट करने वाले बहुत लोग हैं

उस टाइम वो खुद तसल्त के अंडर थे ना बाद में जो अमेरिकन वॉर ऑफ़ जो रेवोल्यूशनरी जो वॉर थी उसमें लड़ा कौन था कोलोनाइजर्स के खिलाफ मतलब जो लड़े थे उनकी बाद में गवर्नमेंट आती है ना तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो कैपिटलिज्म था उससे यूएस ने वेल्थ well जनरेट की है और नाइनटीन सेंचुरी के अंदर ट्वेंटी सेंचुरी के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है उसकी दो सोर्सेज हैं एक है और दूसरा और जो है ना ये इस तरह की कंपनीज है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे भी चाहे वो फोर्ड है जनरल इलेक्ट्रिक है या और चीज़ें इन्होंने वो मैग्निफिसेंट वेल्थ क्रिएट की है जिसकी बेसिस पे बाद में यूएस ने वर्ल्ड वॉर्स भी लड़ी लेकिन इकोनॉमी में इतना फर्क भी नहीं आया उनकी तो ये ये कहना कि सारी वेल्थ स्लेवरी से उन्होंने ओरिजिनेट किया है और इसे वो सिर्फ इसलिए आगे बढ़ गए हैं कि उनके पास स्लेव्स थे मैं नहीं समझता इस इसमें इतना वेट है और मुझे कंस्पिरेटोरियल लगता है हाँ मैं ब्रिटिश मर्केंटाइलिज्म के बिल्कुल खिलाफ हूँ और मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा किया था क्योंकि मैंने वो एयर ऑफ डार्कनेस जो किताब है शशि थरूर की वो आप पढ़ सकते हैं मैं अग्री करता हूँ उसके आर्ग्यूमेंट से कि किस तरह से उसने यहाँ पर आके उन्होंने हमारे जो सिल्क वोव करने वाले वर्कर्स थे उनकी उंगलियाँ तक काट दी अपनी मशीनें बेचने के लिए हमें और यहाँ से जो है ना वो चाय बेची और ओपीएम लड़ी यूके चाइना के अंदर कि अफीम बेची जाएंगे तुम्हें अगर नहीं खरीदोगे जंग लड़ेंगे तो वो ब्रिटिश सेटअप था एक लिहाज से जिसने बेसिकली अपने वेल्थ एक्यूमुलेट करने के लिए बेसिस ही ये बनाई कि बाहर की कॉलोनीज पे जाके कब्जा करो उनकी मटेरियल वेल्थ को वहां से निकालो और स्लेव ट्रेड करो लेकिन अमेरिका तो पहला मुल्क था जिसने स्लेवरी के खिलाफ आवाज उठाई स्टेट लेवल के ऊपर उससे पहले कोई उठाने वाला नहीं था आप भी नहीं थे गोरे भी नहीं थे कोई भी नहीं था मैं ये आर्गुमेंट कर रहा हूँ नो आई थिंक इट्स ग्रेट दैट द लिटरली फॉर्ट अ सिविल वॉर श्लेवरी बॉलिस करने yeah. के लिए,

यार क्योंकि मैं तो में तो में में हो हो चुका हूं अगर अगर एक एक सुपर पावर अगर रियलिस्ट वर्ल्ड में हम कहते हैं आई वुड प्रेफर अमेरिकन ओवर चाइनीज जल्लात इज डीपली दुनिया मैं ये नहीं कहता ही वो बिल्कुल ठीक है लेकिन मैं ये समझता हूँ भी वही है

रात का टाइम हो सुबह का टाइम हो कोई भी टाइम हो औरतें भाग रही होती हैं स्पोर्ट्स में भाग रही होती हैं आप देखें तो आप इमेजिन भी कर सकते हैं आजकल मैं मर हूँ यार और मुझे उस दिन मैं दोस्तों के साथ आ रहा था अदिल भाई के साथ इनफैक्ट आ रहा था रात के दो बजे लाहौर में एक औरत हमें सड़क में नजर आई मैं और अधिल भाई दोनों एक सेकंड के लिए बोल रहे शुड बी गेट आउट एंड हेल्प क्या बात है एक एक औरत ही है ना रोड पे चल रही है रात की लेट टाइम बट हम दोनों की सांस रुक गई कि ये

एट्स अ फेयर आर्गुमेंट राइट अमेरिका ने जितने बंदे बॉम्ब मार मार के तबाह किए हैं जैसो दैट उनकी फैक्ट्री में बॉम्ब बन सकें और वो कंपनीज पैसे कमा सकें तो वो कैपिटलिज्म का एक इनहेरेंट फ्लॉ तो है ना अमेरिकन सिस्टम में कि भाई पैसा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्लाइमेट चेंज आ जाए दुनिया तबाह हो जाए इनफैक्ट वो लॉबी करते हैं ये बोलने के लिए कि क्लाइमेट चेंज झूठ है नॉट टू से चाइना चाइना नहीं करता को तो कोई फर्क नहीं पड़ता वहां तो शायद ये पब्लिकली भी नहीं होते वहां तो जैक मा भी गायब हो सकता है दो तीन दिन के लिए बिल्कुल नहीं बात यह है कि ये फिर एंड डिबेट फिलासफी पे आ जाती है कि क्या आपको इक्वालिटी चाहिए या लिबर्टी चाहिए तो मैं तो मेरे मेरे अंदर इतनी ही नहीं है कि मैं एक यूनिफॉर्म इक्वालिटी के लिए पूरी दुनिया में जो है ना एक्टिविज्म करता फिर मुझे ये लगता है कि हरारकी जो है वो नेचुरल होती हैं मुझे यह लगता है कि जब आप एक सोसाइटी को सारा का सारा यूनिफॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं तो आप डेस्पोटिज्म की तरफ जाते हैं और इसके अलावा टोटालिटेरियनिज्म की तरफ जाते हैं मुझे ये लगता है कि ये जो इंस्टिंक्ट है कि हमें बहुत कम्पैशन है गरीब के साथ जिसके साथ बुरा हुआ है जिसको मारा गया जिसके खिलाफ बम मारे गए हैं जिसको पैसे नहीं मिले जिसके बाद खाने को रोटी नहीं है मेरा ख्याल है कि यह सारा कम्पैशन एक विल टू पावर है अपने आप को ताकत देने की बात है और आप ये सारी बातें करके वो एल्बर्ट कमू ने कहा था ना कि ह्यूमैनिटी लव्ड इन जनरल टू अवॉइड लविंग पीपल इन इंडिविजुअल तो वही बात है कि ये जो बहुत compassionate arguments होते हैं मुझे लगता है कि इसके अंडर भी पावर सीज करने की एक बहुत बड़ी जो है ना वो साजिश होती है हमेशा से क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी रिप्लेस होते हैं वो लोग तो ये सारा mechanism जो है ना ये गरीब से हमदर्दी पेनी ये अमीर से नफरत की बुनियाद पर खड़ा हुआ है मैं समझता हूँ कि ये एन वी है फॉर द रिच मैन नॉट फॉर द नॉट कम्पैशनेट ट्ड दुअर मैन एक्चुअली मुझे पता है इससे बहुत ज्यादा बैशिंग होगी मेरी

और उसके बाद जो सारा कुछ किया कि ज़रा से डिसेंट पे लियॉन ट्रॉड्सकी का भी गला काट दिया जो कि सबसे ज़्यादा जो है ना वो ए, मेरा ख्याल है कि जिसमें इंटेलेक्चुअल स्कॉलरशिप प्रैक्टिस करने वाला बंदा उस टाइम बोल्शेविक्स में से तो सिर्फ वो था रेड आर्मी को खड़ा करने वाला वो था इनकलाब की तहरीक को डेवलप करने वाला वो था लेनिन साहब तो बाहर जर्मनी बैठे हुए थे उस टाइम पे और वो तो उनकी बेसिक मोट, मोटिवेशन शुरू में ये थी कि मेरा बड़ा भाई साशा जिसको फांसी लगाई है उसका बदला लेना है मैंने तो मतलब वो वो सारा कुछ इतने से डिसेंट को जो बर्दाश्त नहीं करते जो ये समझते हैं कि माशरे के अंदर कलेक्टिव गोल सारा कुछ होता है इंडिविजुअलिटी कुछ नहीं होती जो ये समझते हैं कि अगर किसी के पास पैसे ज्यादा हैं तो उसको छीन के बराबर कर दो गरीब के जो ये समझते हैं कि वेल्थ को प्रोड्यूस करना ही गुना है मुझे नहीं समझ आती कि उनसे रिलेट कैसे करूं मैं और मेरा ख्याल है कि ये साइकोलॉजिकल डिफरेंस है कि मुझे यही लगता है कि बेशक जितने भी फ्लॉज हैं

आप चाहे एक रुपया दें हमें एक साल का लेकिन वो एक टोकन ऑफ जो है ना वो एक्नोलेजमेंट होना चाहिए तो मैं समझता हूँ जर्मन चांसलर भी गया था बाद में कॉन्सनट्रेशन कैम्प में और वो जो वियाना के अंदर आई गेस ऑस्ट्रिया के अंदर हाँ भाई तो हाँ तो वो उसमें जाके उसने नील किया था और उसने कहा था कि वी आर जो जो कुछ हमने किया है सारा कुछ जो आप अभी तक बंगालियों के हक में नहीं कर सके ना वो किया था उसने वहाँ जाके तो मैं नहीं समझता कि वो इन इन ह्यूमन नहीं था या मैं नहीं समझता कि वो मॉरल था बेशक होनी चाहिए वो और मेरा ख्याल है कि यूके सबसे बड़ा खमियाजा ये भुगत रहा है उसका कि उसने जो वहां पर इस टाइम तेईस हजार टेरर सस्पेक्ट्स हैं लंडन के अंदर सिर्फ

तो वो कहता है कि सिर्फ लंडन के अंदर तेईस हज़ार टेरर सस्पेक्ट्स हैं जो लंडन पुलिस की सर्वेलेंस कैपेसिटी है वो पाँच हज़ार की है तो मतलब उन उनसे ये कंट्रोल नहीं होना जो आगे सुनामी आ रहा है ना बहुत बड़ा और वहाँ पर जितनी फ्री हैंड दिया गया है इस्लामोफोबिया से बचने के लिए

अपने आप को नहीं मरवाएंगे आपके लिए बट कमिंग बैक टू दिस सो इफ ब्लैक पीपल आर आर्ग्यू फॉर रिपेट्रिएशन इन अमेरिका वुड यू बी इन फेवर ऑफ दैट वेल यस ऑबवियसली व्हाई नॉट बिकॉज़ आई थिंक दे दे हैव बीन और मुझे लगता है कि मतलब जो uh, 60s की वो सारी सिविल राइट्स मूवमेंट थी उससे पहले जो उनकी हालत खराब रही है शुरू से लेके बेशक वो आपने स्लेवरी के खिलाफ सिविल वॉर लड़ ली और उसमें प्रिवेल भी कर गई एक लिहाज से अमेरिकन स्टेट का जो नैरेटिव था लेकिन डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं हुई इवन के वेस्ट इंडियन टीम जब टूर करने जाती है इंग्लैंड के अंदर सिक्सटीज के अंदर तो उन्हें होटल नहीं मिलता कोई वेस्टर्न वर्ल्ड का ये कंसेप्शन था कि यार ये तुम तो बाहर सो तुम्हें किसने कहा कि तुम्हें होटल रूम में सुनाएंगे हम इसी तरह अमेरिका के अंदर था तो ये चीज़ है कि डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत वाइडर लेवल पे प्रैक्टिस हुई है और उसके अलावा तस्वीरें भी हैं कि हाँ जी तो उसको रिकग्नाइज करना चाहिए और मेरा ख्याल है कि ये सेल्फ करेक्शन का मैकेनिज्म होता है पोस्ट मॉडर्निस्ट ट्रेडिशन आने के बाद से वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज के अंदर कि वो खुद ही अपनी जो पुराने इल्स हैं उनको निकाल के बाहर फेंकती रहती है और जो औरत मार्च अमेरिका के अंदर आज हो रहा है उसमें प्रो हिजाब नारे लग रहे हैं ये हमारे पाकिस्तानियों को नहीं पता <coughs> तो वो क्यों वो इसलिए हो रहा है कि मतलब सम हाउ दे वॉन्ट टू कंसिडर कि हमने जिस तरह से मार्जिनलाइज किया है माइनॉरिटीज को उसको हमने रिवर्स करना है सो दे हैव काइंड ऑफ एनएक्नोलेजमेंट टूवर्ड्स इट बट वी डोंट हैव इट हमारा तो मसला ये है कि हमने तो विक्टिम प्ले करना है हमारे साथ तो हो होता ही बुरा आया शुरू से लेके पहले दिन से और हमारी दौलत भी छीन ली हमारा इकतदार भी ले गए हमारे भगत सिंह को भी मार दिया हम बहुत अच्छे थे वरना बात यह है कि कल्चर्स भी जो है ना मुझे नहीं लगता कि उसमें इक्विटी होती है और वो कुछ जो प्रेडेटर कल्चर्स रहे हैं शुरू से वो रूल करते आए बस आपको अब दुनिया का सेटअप बदल गया है अब लेंस बदल गया है तो अब वो उस तरह से एनेक्सेशन नहीं हो सकती बस ये फ़र्क है उधर भी ना पाकिस्तान में जिस तरह एक मसला ये है कि मुस्लिम लीग की कभी एंटी कलोनियल आर्ग्यूमेंट्स नहीं थी, थी तो हमारे पॉपुलर पॉलिटिक्स भी जो बने वो एंटी कलोनियल उस तरह से नहीं बने बट अगर हम वियतनाम में देखें वहाँ जो हम तालिबान सेलिब्रेट कर रहे हैं मे बी वी शुड अप अबाउट वियतनाम वो एक्चुअल स्ट्रगल थी वो एक्चुअल वियतनाम के लोगों ने जंगलों में

वो somewhere close to 200, uh, मुझे पता भी नहीं है पाकिस्तानी के के दो दो करोड़ होगा होगा उससे भी भी ज्यादा उसका दो मेरा को पे आया 10%, जो मेरी insurance company के 20, 000. $20, 000 भी उस लाख अब तो खान साहब की बदौलत पैंतीस हो गए होंगे मैंने फुलब्राइट को ईमेल किया कि भाई मैं गरीब आदमी मैं ये नहीं दे सकता दे से चले आप इसका भी टेन परसेंट मतलब मैं वो भी नहीं दे सकता इवेंचुअली मैंने पाँच सौ छह सौ डॉलर जेब से दिए बट द रीजन दिल अ बिल फॉर टू हंड्रेड था इंसान ने नहीं देनाइज hmm. तो किया hmm. hmm. so, hmm. like तो शुरू से फेरी ये थी गवर्नमेंट को जो है ना वो जितना और छोटा रख सकते उतना रखो ना तुम स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को लेनी चाहिए ना एजुकेशन की लेनी चाहिए ना हेल्थ की लेनी चाहिए तो वो तो शुरू से मतलब इस पे हाँ जी वो इस पे मतलब इंसिसटेंस uh, रही है उन लोगों की लेकिन यही बात है कि वो मतलब जो रिफॉर्म्स आएंगी मुझे ये लगता है कि जो डिबेट वहाँ पर जो सबसे बड़ा मुझे लगता है जो उम्मीद होती है ना किसी कंट्री के लिए बेटरमेंट की वो ये होता है कि वहाँ कितने क्रिटिकल इंटेलेक्चुअल्स एग्जिस्ट करते हैं अगर आपने किसी मुल्क को देखना ना कि इसका फ्यूचर क्या है या फिर इसकी रिजीम टाइप क्या बनेगी या उसमें जो आज़ाद जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं उनका क्या होगा कल को तो so वहाँ सिर्फ ये देख लें कि वहाँ क्रिटिसिज्म कितना हो रहा है और कितना अलाउड है और वो मुझे लगता है कि एक सेल्फ करेक्शन का जो मैकेनिज्म होता है ना वो सिर्फ एग्जिट ही वहाँ कर सकता है जहाँ पे अब ऐसा नहीं है कि वहाँ फ्लैट अर्फर्स नहीं है ऐसा नहीं है कि वहाँ पे एंटी मास्कर नहीं है हाँ। ऐसा नहीं है कि वहाँ किमकर के अलावा किम जिनको कुछ पता ही नहीं है वो लोग एग्जिस्ट नहीं करते थर्टी परसेंट अमेरिकन समझते हैं कि चॉकलेट मिल्क ब्राउन

जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है उसकी पॉजिटिव इमेज की बात करो उसके खिलाफ बात करोगे तो एंटी स्टेट हो मेरा ख्याल है कि उनका मुकदर होता है तबाही तो मुझे जो अमेरिकन पॉलिटिक्स या अमेरिकन डोमेस्टिक सेटअप को लेके या किसी भी चीज से लेके जो उम्मीद है ना वो नॉम चौंसली की तरह के लोग हैं या और लोग हैं जो हार्श क्रिटिसिज्म करते हैं परसिस्टेंट क्रिटिसिज्म करते हैं वियतनाम वॉर की हमने बात की तो कितनी बड़ी कैंपेन चली अमेरिका के अंदर जनरल्स आप मुझे दे बताएं जाके अपने मेडल्स बिल्कुल बिल्कुल आ, और मतलब इंटेलेक्चुअल्स ने अवार्ड्स वापस किए क्या कुछ नहीं किया और आप ये बताए कि हमारे मुल्क के अंदर 6 सितंबर को जुलूस निकल सकता है यहाँ पे इस तरह का कि हमने गलत किया था या 71 वन के सोलह दिसंबर को हम निकल सकते हैं सड़क पे कि बंगालियों को इज़्ज़त दो पॉसिबल ही नहीं है ऐसा और ऐसी रियासतों के कोलेब्स की वजह ही है तो जहाँ पर तो वो ग्रीक ट्रेडिशन प्रैक्टिस होती है कि वॉर ऑफ आइडियाज चल रही है वहाँ करेक्शन खुद ही आ जाएगी क्योंकि वो एक एवोल्यूशन एवोल्यूशनरी सिस्टम है उनका कल्चर भी उनका हेल्थ केयर भी उनकी एजुकेशन भी हर चीज़ अगर वो करेक्ट नहीं करेंगे तो इतना क्रिटिसिज्म आएगा कि उनको बैलेंस करना पड़ेगा उस चीज को तो यही बात है कि मुझे तो सिर्फ ये होप नजर आती है परफेक्शन में किसी में नहीं देखता मैंने कभी नहीं कहा कि दे आर परफेक्ट मैंने कभी नहीं कहा कि उनकी इंटरनेशनल वॉर्स जस्टिफाइड है ना ही मैंने ये कहा कि कॉलोनाइजेशन वो लोग लो नहीं करते मैं तो लेसर ऑफ टू टूर्स वाली थेरी पे बात कर रहा हूँ फिलहाल so 1971 पे भी लांस में कॉन्फ्रेंस होनी थी जिसमें बहुत ही ज्यादा जहीन लोग बहुत ही जहीन बातें कर रहे थे होने नहीं दी

लेकिन फिर भी अभी आप देखें बांग्लादेश आगे जा रहे हैं जितना वहां पे भी मसले मसाइल है रिप्रेशन भी है इकोनॉमिक मसले भी है क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा मसला है बट वो एक इंटेलेक्चुअल इथोस तो है जिसकी वजह से आगे जा रहा है अभी अमेरिकन डिबेट आई डू थिंक इज वर्सनिंग और सबसे बड़ी वजह वजहेशन था जिसकी वजह से आगे जा रहा है वहां पे आपको पता है खुवान की लड़कियों की स्कूल एनरोलमेंट लड़कों से ज्यादा है

जो है ना वो स्पेस नहीं छोड़ते चाहे वो नेशन ये जो अभी आ रहा है सिंगल नेशनल करिकुलम हो जो कि सुबाई सब्जेक्ट को छेड़ के नेशनलाइज कर दिया जिसने सिंध ने रजिस्ट किया मैं सलूट करता हूँ उनको इस बात पर बेशक वहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लॉज है एजुकेशन सिस्टम में लेकिन शायद कभी करेक्ट हो जाते अगर ये आ जाता फिर तो बिल्कुल ही बेरी हो जाते ना खत्म हो जाते तो इस पे तो इतने ज्यादा गुस्सा है हमारी स्टेट को कि यार ये क्या जुल्म किया है हमारे साथ कि मतलब वाटर शेयरिंग भी अलग हो रही है रिसोर्स शेयरिंग भी अलग हो रही है एजुकेशन पॉलिसी भी अलग बन रही है हम तो बिलीव ही नहीं करते इस चीज पे शुरू पहली बात, बात, बात यह हमारी पाकिस्तान बना ही इसलिए था कि जी हमें लोकल अप, हमें अपनी गवर्नमेंट चाहिए सेंट्रल नहीं चाहिए नहीं। नहीं। फिर अपनी बना के नहीं। 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 अब हम सेंट्रल बनाएंगे और आप अमेरिकन सिस्टम की जितनी बुराइयां कर लें आई थिंक द स्टेट सिस्टम इज वेरी सॉलिड कि फ्लोरिडा टू द एक्सटेंट के मास्क मैंडेट तक फ्लोरिडा में अलग है टेक्स में अलग है न्यूयॉर्क में अलग है तो बड़े वहां पर भी मसले मसायल हुए कि यार कोरोना हम कैसे रोकें

शहर-शहर की की बेसिस पर आ, yeah. हैं, वहाँ पे तो भी हैं। आप रो वर्सेस को भी वो ओवरटर्न करने कोशिश कर रहे हैं रहेमल है well. you know, hmm. हम ये बातें करते हैं फिर दिल नहीं चाहता दीवार पे जहन आप दीवार पे जाकर कोई अपना दिमाग मारे तो एक बंदा है उसका सिर्फ यूजर नेम एक लेटर है वो बार बार यू दैट

नहीं ऐसे लोगों को मतलब ये तो फॉल ही नहीं ना करते मतलब ये तो नॉन ओवरलैपिंग बिल्कुल एक सीन है ना कि वो उनको तो कोई मतलब रियलाइजेशन ही नहीं है ना कि ह्यूमेन और सिविलाइज वर्ल्ड में चल के रहा है शायद तो वो तो उसी बारबेरियन जो है ना माइंडसेट के अंदर है अब इनको क्या पढ़ाएं आप पहले दिन से शुरू करवाएं कि यार असल में कंसेंट क्या होता है फिर उसके अलावा जो है वो वायलेट क्यों नहीं करते किसी खातून को तो मेरा ख्याल है कि दे शुड बी लेफ्ट अलोन किसी का बहुत अच्छा सवाल है कि मुजम्मिल बड़ी गालियां देते हो सीएसएस को खुद दो दफा फेल हुए हो इसलिए सीएसएस से नफरत होती है ये जिस तरह कोई आपको रिजेक्ट कर दे तो आप बोलते हैं हाँ मुझे तो पसंद ही नहीं थी क्या आपकी सीएसएस से नफरत इसलिए है क्योंकि आप दो दफा फेल हुए Who has said that? I I don't even know when did I appear twice in CSS. वो तो कह रहा है मेरा क्लासमेट था मेरे साथ CSS पढ़ रहा था। मैं

कि आप किसी हद तक वो जो पैडागोजी ऑफ देश किताब है उसका थीसिस भी यही है ना कि ऐसे माशरों के अंदर स्टेट के ऑपरेशन से बचने के लिए सारे स्टेट का हिस्सा बनने की पहली कोशिश करते हैं रेजिस्टेंस की नहीं करते तो ये सीएसएस की मैंटेलिटी भी यही है कि यार तुम्हारा चलान नहीं होगा अगर सी एस बन जाओगे तो या तुम्हें कोई पुलिस थाने वाला उठा के नहीं लेके जा सकता क्योंकि तुम आप ऊपर से फोन करा दोगे तो ये सारे स्टेट को की जो ऑपरेशन है ना उससे बचने के टैक्टिक्स हैं और अफसर शाह सलूट पड़ेंगे गाड़ी के ऊपर नीली बत्ती लगी होगी और गांव में जाएंगे तो लोग कहेंगे अफसर साहब आ गए हैं तो बस यही चीज़ है कि मुझे तो बहुत ही डम डाउन लगता है उसकी वजह यह है कि जिन मुल्कों ने तरक्की की है ट्वेंटी सेंचुरी में वो ब्योक्रेसी की बेस पे नहीं की ये सिस्टम आउटडेट हो चुके हैं Um, दुख होता है यार YouTube पे कभी कभी मैं लोग मुझे लोग रेकमेंड भी करते हैं इसको बुलाओ उसको बुलाओ फिर मैं देखता हूँ उन लोगों को एंड आई एम लाइक ये चैनल एग्जिस्ट ही स्टेट की पेट्रेज पे करते हैं कि स्टेट के अपने लोग जाकर अपना एजेंडा अपना वो प्रमोट करते हैं एंड लॉट ऑफ टाइम्स पीपल से थिंग्स लाइक के भाई आप मेरी वो देख ले मुझे पैसे नहीं मिलते इस तरह पैसे नहीं मिलते अगर आपने वीडियोस बनानी हो आपने गाने बनाने हो जब सारे कॉन्ट्रैक्ट आपके पास जा रहे हैं अब खलील रहमान कमर है उसको पता है कि भाई मुझे ड्रामे के अगर लाखों करोड़ों मिलने हैं कहाँ से मिलने हैं क्यों मिलने हैं तो मुझे टीवी पे जाके फेमिनिस्ट को गालियां देनी पड़ेंगी चेक पे ये नहीं लिखा आता दस लाख रुपए बिकॉज यू फेमिनिस्ट वो जब मीटिंग्स होंगी जब बुलाया जाएगा जब एक्सेस मिलेगा जब रिसोर्सेस मिलेंगी तो वो सब आपको मिलेंगी एंड yeah. अब तो यूट्यूब yeah. पे और ज्यादा रिस्ट्रिक्शन आ रही हैं तो इन लोगों के तो मजे हैं बट वट टेक ऑन सर्टन यूट्यूबर्स जो सिर्फ स्टेट के लिए सिंप करते हैं वेल well, बहुत मतलब एक अफसोसनाक बात सोशल मीडिया की जो आपने रिस्ट्रिक्शन की बात की है ना पहले तो इसकी बात कर लें मुझे तो फेसबुक तो बिल्कुल नो गो एरिया बन गया ना वहाँ तो आप बात ही नहीं कर सकते कि अगर आपने तालिबान का वर्ड पूरे स्पेलिंग के साथ यूज़ कर दिया है बंद अगर आपने टी एल पी का लफ्ज़ लिख दिया बेशक आप बैश कर रहे हैं खादिम रसी को अकाउंट बंद मेरी पिछली साल की वीडियो पे स्ट्राइक्स आ रही हैं जिसको लोगों ने सर्टन अमाउंट तक रिपोर्ट किया या उसके अलावा सर्टन कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स वायलेट हो गए

हाँ ऐसा भी है और दूसरा एल्गोरिदम्स की जो साइंस है वो बहुत मतलब फ्लॉड है ना उसमें ये नहीं है कि कीवर्ड यूज़ कर लिया उसका कॉन्टेक्स क्या है वो तो देख ही नहीं सकता वो और उस पर जो फिर कम्युनिकेट करना है उनकी मैनेजमेंट से उसका सिस्टम भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है वो इतना ईजी नहीं है फिर दूसरा ये कि पाकिस्तान से अगर आप हैं तो फिर तो वैसे ही सीरियस नहीं लेते ना आपको क्योंकि हमारी गवर्नमेंट तो गजी रहती है यहाँ ऑफिस खोलो हमने सेंसर करना है फेसबुक पर तो उन्हें पता है कि यार ये तो जो है ना एग्जिस्ट ही ना ही करें तो बेहतर है इंडिया में ज़्यादा इंटरेस्ट है उनका तो दूसरी बात ये कि जो आपने यूट्यूबर्स वाली बात की वो भी यही है कि मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क करें इस प्रोस्ट तो वो उसके दो फायदे हैं ना एक ये है कि यूट्यूब इनकम बहुत बढ़ जाती है क्योंकि हमारी जो है सारी वो प्रो रॉड विंग है और जो हमारे बाहर लोग बैठे हुए हैं सऊदी अरब मिडल ईस्ट में वो तो वहाँ बैठ के सुनना ही ये है चाहते हैं कि पाकिस्तान चांद पे पहुँच गया मार्स पे पहुँच गया अमरीका को हरा दिया जो बाइडन ने घुटने टेक दिए हैं लजाल आने लगा लेकिन मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और इमरान खान को तस्लीम कर लिया गया है जो है ना वो यू का प्रेजिडेंट भी लगा देंगे कल को उसको और वो पता नहीं क्या मतलब मसाया है बहुत बड़ा तो वो ये चीज़ें सुनना चाहते हैं तो ये यूट्यूबर्स जो है ना ये सर्वे करते हैं और ये देखते हैं कि मैथ्स क्या सुनना चाह रही है क्योंकि हम तो सही समझते हैं कि मैथ्स इनोसेंट होती है जो कि मैं नहीं समझता लेकिन मैथ चूंकि इनोसेंट होती है तो इनोसेंट लोग तो सुनना ही ये बुलशिट चाहते हैं तो वो इसीलिए सर्वे करके इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि जो ये बात सुनना चाह रहे हैं इनको वो सुनाओ और यूट्यूब से पैसा अलग कमाओ स्टेट की भी मिल जाएगी, आपको बुलाया जाएगा बड़े बड़े दफ्तरों में आपको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी पैसे दिए जाएंगे तो इस तरह से फिर वो दोनों हाथों से पैसा कमाते हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आम लोगों की हालत इतने बड़े इंस्टीट्यूशन इतनी इज्जत मतलब उनको शर्म भी नहीं आती कि आप लीग जैसे बंदे को बुलाकर मतलब वो

डिटेरियोरेटेड है कि वो समझते ही हैं कि ये लोग अपीन लीडर अच्छे बनेंगे हालांकि इवन कि हमने ओपरेशन ऑपरेसिव तरीन रजीम्स को भी अगर देखें नाजीज को देख लें तो उनकी इतनी बड़ी स्कॉलरशिप थी कि किताबें लिखने वाले इंटेलेक्चुअल्स उनकी साइड पे मौजूद थे रिसर्च कंडक्ट कर रहे थे और इसके साथ साथ जो है वो मतलब पोलिटिकल साइंटिस्ट बड़े बड़े उनकी साइड पर थे तो अगर उन्होंने अप्रेस भी करना था ना मैथ्स को तो उनके पास एटलीस्ट सबस्टांस इनसे बेहतर था नाजीज के पास इनके पास तो ये है कि स्टोब तरीन बंदे को ला के ना मुसलत कर दो आवाम के सर पर जर्नलिस्ट भी ऐसे लेकर आओ जिसको अलिफ बे का ना पता हो किसी दुनिया के नॉलेज कोई ना हो किसी कुछ लिखा ना हो कोई किताब ना पढ़ी हो उसको अपिनियन लीडर बना दो उसकी वजह यह के आसमा जहांगीर वाली बात है कि अपने दिमाग घुटनों में इनके तो इसीलिए उनको अपील ही वो वाले लोग करते हैं जो कि इनहेरिटली डम्ब है और बहुत ज्यादा हाफ पेक्ड है तो इसीलिए मेरा ख्याल है कि इनको अप्रेस करना भी नहीं आता इनको प्रोपोगेंडा भी नहीं आता और ये ये गोबल्स नहीं बन सकते ना इनको फिल्में बनाने आते हैं है, है अच्छे वाले। तो ये अगर हम कहें के यार, आपने फिल्म बनानी है अगर हम ये आर्ग्यू करें for, 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 for तो देखें, कितने पूरी दुनिया में अमेरिकन मिलिट्री की अच्छी साइड प्रमोट कर रहे हैं किसी ने पूछा डी वो आज के अबाउट ओशो व्हाट इज ओशो ओशो तो वो वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट वाले uh, मॉल वो जो जो भी गुरु थे वो नहीं थे इज दैट व्हाट दे आर थे बार? वही थे मुझे नहीं पता मेरे से क्यों इस बारे में पूछा गया होगा लेकिन मुझे तो कोई बहुत टेंडेंसी नहीं है स्पिरिचुअलिटी को पसंद करने की मेरे अंदर

कि मुझे एक स्पिरिचुअल एपिटीट हो मेरी बहुत ज्यादा डू यू थिंक स्पिरिचुअलिटी एंड रैशनलिटी आर एट ऑड्स विद ईच अदर आई डू यू थिंक स्पिरिचुअलिटी एंड रैशनलिटी आर एट ऑड्स विद ईच अदर वेल हमारे यहां पे सब कॉन्टिनेंट की ट्रेडिशन तो ये थी ना कि जो पैंथीइज्म था उसको हमने सूफीज्म कहा पहले तो उस पे इल्जाम लगाया सूफीज्म का वो बेसिकली पैंथीइज्म था एवरीथिंग इज गॉड ठीक है अनल दूसरा तो हाँ, दूसरी चीज़ ये की आइडियोलॉजी के, के साथ और कहा कि ठीक है ये भी चल जाएगा इवन के दीने अकबरी जो अकबर लेकर आया था वो दीने दीनेस था।, था हाँ दीने अकबरी भी कहते हैं उसको दीने इलाही भी कहते हैं तो वो ब्लामस था एक्चुअली तो उसमें कलमे में भी उसका नाम ऐड हो गया बड़ा कुछ हो गया तो इतनी भी गुंजाइश मौजूद थी टॉलरेंस थी बेशक उस टाइम पे लेकिन पता नहीं यार मतलब मैं मुझे अपील नहीं करती चीज़ें इतनी और मुझे लगता है कि जो रियलिस्ट वर्ल्ड है इसमें सर्वाइव करने के लिए ये चीज़ें आपको हेल्प नहीं कर सकती ये सिर्फ अपने मतलब दिमाग को स्टेबलाइज करने के लिए डोपमीना है एक जो आपको जरूरी चाहिए होगी शायद लेकिन ये चीज़ें चलती नहीं है ये काम नहीं करती इसीलिए जिन कल्चर्स में ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो सस्टेन या सबस्टांशिएट कर लेती हैं अपने आप को वो कम्पीट नहीं कर सके कभी इतना ज़्यादा ना इंटरनेशनल स्टेज पे या मतलब इतना ज़्यादा वो सेल्फ करेक्शन नहीं कर सके अपनी

रिलीज रिलीजन एज इन ज्यादा फोकस करते हैं बट अगर आप अपने लिए उसको स्पिरिचुअलिटी के एस्पेक्ट से इस्तेमाल कर रहे हैं या सोच रहे हैं आप अगर सोचते हैं यार खुदा मेरे लिए बेहतर करेगा और ये चीज़ होगी या अगर आपको लगता है द यूनिवर्सन द सीक्रेट भी है इफ यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग एंड देर इज आई मीन आई नो लिट क्वाजाई टू बट इफ यू बिलीव इन योर अब ये इंटेंजिबल है ना क्यों यार मुझे यकीन है कि मैं ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतूंगा एंड यस आई एग्री के सभी सोचते होंगे जीतना एक होगा पर जो वो एक जीतता है उसको भी तो हेल्प मिलती है सो थिंग्स लाइक दिस यू बिलीव इन हायर थिंग नॉट दैट योर लाइफ इज की तरह काम करता है तो वो फाइन अगर प्रसिबो भी काम तो तो करता का है का बहुत मतलब बड़ा इफेक्ट होता है बट तो उसमें बुराई क्या है अगर शिया लोग मालूम करते हैं और वो कहते हैं कि मुझे दर्द नहीं होता प्रसिबो इफेक्ट की वजह से या अफ्रीका में लोग कोल्स चलते हैं और बोलते हैं हमें दर्द नहीं होता इसमें मसला क्या है

मैं तो ये कहता हूँ कि यार जो चीज़ हेल्प कर रही है करी जाओ वो लेकिन मैं इसको अगर टो नहीं कर रहा तो मुझे भी ना कहो कि यार तुमने भी तुम्हें भी यही तरीका चाहिए हेल्प लेने का और दूसरा ये कि मतलब अब तो सेकुलर स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट भी आ चुका है सैम हैरिस ने पूरी किताब लिखी है इसके ऊपर आप पढ़ सकते हैं लेकिन बस यही है कि जो मसला ये होता है कि जब आप लाइन क्रॉस करके कहते हैं कि ये वाला बेस्ट है और मुझे पता है कि इसी से सारे मसाइल हल होंगे और वन साइज फिट सॉल्व सोलूशन है मेरे पास दुनिया में तमाम प्रॉब्लम्स को सही करने का तो वहाँ आता है असल मसला हमारे जैसे लोगों का क्योंकि हम तो इंडिविजुअलिटी को प्रमोट करना चाहते हैं कि जो जो करना चाह रहा है उसे करने दिया जाए लेकिन मसला ये होता है कि ये जो आइडियल्स होते हैं ना फिर ये जब हर चीज़ का आंसर आपको देते हैं तो फिर आपको एक ऐसी पावर देते हैं कि आप लोगों को कहते हैं कि यार तुम भी अब यही करो नहीं तो गर्दन तो मुझे काटनी पड़ेगी तुम्हारी <laughs> नहीं ये ये तो ऑबियस बहुत बड़ा मसला है Uh, की मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था इस के Ioska, तो वो कहते हैं कि जब आप आयो करें तो आप से मिलते हैं उसके शामन ने बड़ी बेहतरीन बात की उसने बोला uh, कि हम दुनिया के हर मजहब से अलग हैं क्योंकि दुनिया का हर मजहब कहता है कि ये लिखा हुआ है आपने एक्सपीरियंस नहीं करना खुद भी एक्सपीरियंस करो हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं और हम तुम्हें बता रहे हैं आयो आसका दुनिया का वाहि मजहब है जो ना कोई टेक्स्ट है ना कोई स्क्रिप्ट है वो कहता है ये आयो आस का कर लो खुद एक्सपीरियंस कर लो खुद सोच लो गॉड इज तुम्हें क्या कह रही है क्या करना है जो तुमने एक्सपीरियंस किया जो एवरी रिलीजन दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग द ओनली रिलीजन दैट लेट्स यू एक्सपीरियंस एंड वो जो बात है जो लोग थोपते हैं ना वो भले यही क्यों ना हो कि ये फेवरेट रेस्टोरेंट है ये बेस्ट कढ़ाई है लाहौर में ये तुमने भी खानी है सबने खानी है बाकी सारी कढ़ाइया बुरी हैं इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ इनसिक्योरिटी ऑलवेज कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ इनसिक्योरिटी आपको कोई इनसिक्योरिटी है ना कि आप कंफर्टेबल नहीं है कि आप कहते हैं भाई तू भी मान ले

अगर आप मतलब ये जो रिलीजन के आइडियाज हैं या और हैं तो ये सारी अटेम्प है ना रैशनलाइज करने की एग्जिस्टेंस को या और चीजें करने की बहुत से मतलब आपने जो भी बात की एक और भी वो चर्च ऑफ फ्लाइंग स्पेगेटी मॉन्स्टर इस तरह के भी मज़हब हैं जो जिनके पता नहीं कौन कौन से कर्ट्स बनाए हुए हैं सारा कुछ किया हुआ है उसके अलावा राष्ट्र भी है और बड़ा कुछ है अगर आपने मजहब की भी बात करनी है तो उसको फिलोसॉफिकली सबस्टांशिएट तो करो या यार किरके गार्ड को पढ़ लो कि वो क्या कहता है अब्रामिक ट्रेडिशन के बारे में या फिर फ्यूरर बाग को पढ़ लो कि उसका गॉड क्या था स्पाइनोजा का गॉड क्या था तो ये है कि हमने अगर करना भी होता है ना तो हम कहते हैं मुझे पता है ये सही है बस बात खत्म नो डिबेट तो भाई अगर सबस्टानशियट भी करना है आइडिया को तो सबस्टांस तो लेके आओ कहीं से मुझे तो ये मसला होता है कि यहाँ पर हर कोई इतना मतलब ब्लाइंड जो है ना वो पे यकीन करता है कि वो अपील उसको करवाने को मैस अपील उसकी बनाता ही नहीं है वो सिर्फ एक मोड इख्तियार कर लेता है कि चूंकि हम कह रहे हैं तो इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता तो मुझे खैर हर किसी को अपना अपना वे चाहिए होता है रैशनलाइज करने का मुझे जो है ना वो जो वे लगा उसमें स्पिरिचुअलिटी की शायद वो कम हो और ऑब्जेक्टिव रीजन ज्यादा हो मशरूम करने की भी थोड़े, थोड़े करने की जरूरत है

प्रॉपर गेंडा है एक दिखाए जाते हैं जो मैंने इंटरनलाइज कर लिया और मुझे लगा यही चीज खूबसूरत है वो मैंने अपने दिमाग में बुलशिट बनाई हुई थी ना वो ऑन मेंुलट आई वो आई कुड सी थ्रू ओन बुलशिट आई कुड सी थ्रू कि अच्छा ये फीड हो रहा है इस वजह से मैं ये सोच रहा हूँ या मेरी जो mm -hmm. ये हीलिंग नहीं हुई हुई थी वो इस वजह से हुई भी थी और ये चीज मुझे रोक रही थी सो mm -hmm. so,

सर वो लेवल्स है ना इट्स लाइक like... <laughs> के, कोई मसला के, नहीं है बस बात ये है कि सेल्फ क्रिटिक होना चाहिए अब वो किसी भी मींस से आ रहा है एंड वो होना चाहिए तभी आप अपने आप को जो है ना वो रिफाइन कर सकते हैं थॉट को यार इट्स आल्सो कि आवर ब्रेन्स आर सो एंट्रेंस्ड इन एवरीडे लाइफ तो अगेन सब्सटेंस hmm. की जरूरत नहीं है बट आप बुद्धिस्ट मॉन्क्स की बात करें या yeah. वो बैठकर खामोशी में हफ्ते महीने

If you can get some moments away from the static, away from the noise, and you're able to think about reality without worrying about your next paycheck, without worrying about your next meal, that is a higher conscious and mind numbing. Whether that's through psychedelics, whether that's through sitting yeah. in a monk, in a monastery, a monk sitting mm -hmm. in a monastery for weeks, just meditating. Well, epistemological debate. This question is. That, जो बहुत बड़ा तीन लफ्जों का सवाल है इज माइंड ब्रेन आई मीन दैट इज मीनू क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि ब्रेन ही माइंड है सिर्फ और उसके अलावा ट्रांसेंडेंटल कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती जो ट्रांसेंड करती हो माइंड को और अगर आप कहते हैं कि होता है कुछ और हायर कॉन्शियसनेस कोई और चीज़ है लेकिन मीन्स हम कहते हैं कि मीन्स जो है वो ब्रेन है पहले ये आर्गूमेंट होते थे कि यार देखो अगर इंसान के दिमाग का चंद हिस्सा इस्तेमाल होता है सिर्फ बाकी परसेंटेज यूज ही नहीं होती तो वो न्यूरो साइंस ने डिसप्रूव कर दी है अगर आपको इंजरी होती है एक्सीडेंट होता है दिमाग के किसी हिस्से पर चोट लग जाए तो कोई फंक्शन फिजिकल जो है ना वो ख़राब हो जाता है इसने साबित कर दिया कि दी एंटायर सेटअप इज़ एट वर्क एट टाइम्स और दूसरा ये कि लैंग्वेज जो आपने सीखी है उसके अलावा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते आप तो वो भी वही बात है कि एक्वायर्ड नॉलेज से ही कॉन्शियसनेस निकल रही है जो आप अभी बोल रहे हैं हायर कॉन्शियसनेस के बारे में वो कॉन्शियस ब्रेन से ही निकल रहा है सारा इसी उर्दू जबान में ही निकल रहा है जो आपने सीखी हुई है इसके अलावा कोई हायर जबान भी नहीं आप बोल पा रहे ठीक है उसके अलावा ये भी होता है कि आपने अगर आ, कोई इंटॉक्सिकेंट ले लिया है कोई कोकेन कर ली है कोई एलएसडी कर ली है तो उसमें तो उससे मतलब बात यह है कि उस दौरान आपके जो माइंड पे असर पड़ता है उससे चीजें चेंज होती हैं सो अल्टीमेटली जो मीन्स है वो तो यही ब्रेन है ना जिसको आप कहते हैं कि ये जो इसको बायपास करके ट्रांसेंड कर गई है रियलिटी हमारे से तो बेसिकली एंड जो भी निकलता है मीन्स तो यही है हम तो ये बात करते हैं सिर्फ यार अगर आप देख रहे हैं कि पंखा चल रहा है और वो उसके पार नजर नहीं आ रहे आपको तो इसका ये मतलब नहीं कि वो है ही नहीं देखिये वो अलग आर्ग्यूमेंट है कि जी दूसरी दुनिया एग्जिस्ट करती है लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं कि डीएम डीएमटी करके आप एक और रेलम में चले जाते हैं उस चीज को सब साइड पे रखें बट आपका ब्रेन भी फ्री तो नहीं है ना वट एवर पैटर्न आपके बचपन में सेट हो गए वो हो गए अगर आपको पिज्जा बुरा लगता है तो मुश्किल है किसी को बुरा लगे बट ब्रोकली बुरी लगती है या अगर आपका एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है या अगर एक कोई स्टिमूला मिले उससे आपका जो रिएक्शन आता है दीज आर ऑल पैटर्न्स विच आर सेट थ्रू हैबिट दे नॉट नेसेसिएटेड बाय योर ब्रेन दे नॉट नेसेसरी देर रेपिटेशन के थ्रू आपके सेट हो जाते हैं एंड सम ऑफ दोस पैटर्न्स आर हर्टफुल इट कुड बी टू द एक्सटेंट के जी मुझे दुख होता है तो मैं खाना खाना मंगवा लेता हूं मुझे कार्ब्स uh, में कंफर्ट मिलता है आपको मेंटली पता है लिख के दे दूं मैं दिस इज बैड फॉर यू इफ यू अ लार्ज पिज़्ज़ा थ्री एम इज बैड फॉर यू मुझे ब्रेन को पता है लेकिन मेरे अंदर एक वो पैटर्न सेट है अपने हुँ. ही पैटर्न आपको अपना ही कैदी बना देते हैं आपका ब्रेन ट्रैप्स यू इन मेनी वेज बाय बुलश्रू ड्रामा तो वही तो तो है वो, वो तोड़ना इज लिबरेटिंग and psychedelics may help you break those like for instance even with addiction john hopkins ki research yeah. aa rahi hai ki mdma and shrooms help fight people who are addicted hmm well obviously main mujhe to matlab ye jo free will ka argument hai aapne kaha ki habits se log learn kar lete hain मुझे नहीं इतना लगता है इसको वो philosophy में कहते हैं tabula rasa के blank state की जो debate है कि जब इंसान पैदा होता है तो क्या वो खाली कागज़ की तरह होता है उस पर जो भी लिख दिया जाए वैसा हो जाता है या फिर एक सर्टन इनहेरेंट नेचर लेके पैदा होता है तो ये तो बड़े अब मतलब सदियों से चलती आ रही है लेकिन न्यूरो साइंस इसको डिसप्रूव कर रही है कि हम एम्पटी हैं वो तो कहती है कि जो ट्रेड्स होती हैं वो इरिवर्सिबल होती हैं और नर्चर का बहुत कम रोल होता है उसमें और इसी तरह ये चीज जो आप कह रहे हैं कि फ्री विल नहीं रहती फ्री विल की डिबेट भी बहुत बड़ी है पेस्टोमोलॉजिकल डिबेट है कि क्या फ्री विल एग्जिस्ट करती है या हम सिर्फ वही कर रहे हैं जो प्रोग्राम हैं जिसके लिए करने को और उसी पाथ पे चल रहे हैं सिर्फ तो उसको आप ब्रेक फ्री तो कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि ऑन द कॉन्ट्री जितना नुकसान हमें माइंड नंबिंग चीजों ने पहुंचाया है मतलब उतना फायदा नहीं पहुंचाया मुझे लगता है जिस तरह नीचे ने भी कहा कि टू ग्रेटेस्ट यूरोपियन आर एंड एल्कोहल तो हर वो चीज़ जो आपको किसी हद तक रियलिटी से दूर ले जाती है मुझे लगता है कि उसका इतना नुकसान है कि वो नीचे तो कहता है कि हम लोग नायलिस्ट नहीं है नीचे कहता है कि जो निगेशन की तरफ जा रहा हो वो नायलिस्ट नहीं है जो मटेरियल वर्ल्ड को देख के कह रहा है कि इससे ऊपर कोई स्टेट है जो मैंने एक्वायर करनी है वो नायलिस्ट है बिकॉज ही इज बैंकिंग ऑन समथिंग हैज नो प्रूफ तो ये चीज़ है कि वो भी इतना रैशनल फिलोसोफर तो नहीं था रैशनैलिटी के कहीं बहुत ही वो खिलाफ गया था लेकिन बात यह कि इसके ब्लोबैक ज्यादा बुरे थे कि जो माइंड नंबिंग एक्सरसाइज हैं बेशक कुछ लोगों के लिए लिबरेटिंग होंगी और मेरा ख्याल है कि दे शुड बी फ्री टू प्रैक्टिस दैट लेकिन बेसिकली मुझे तो यही समझ आई है दुनिया से कि जिस चीज़ ने भी रीजन को सपोर्ट किया है और रेशनैलिटी को सपोर्ट किया है रिजल्ट उसने दिए हैं आपको और जो ह्यूमन डेवलपमेंट है सारी बेशक वो साइंटिफिक इनोवेशन हो या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो वो सारी की सारी रीजन के ऊपर खड़ी हुई है उसमें अबेंडनमेंट नहीं है थाट की बल्कि थाट को मटेरियलाइज किया गया है उस सारी के अंदर तो अगर आपने इस दुनिया के बारे में नहीं सोचना तो फिर बिल्कुल ठीक है जो आप सारा कुछ कर रहे हैं फिर कोई फर्क ही नहीं है उसमें एक्चुअली साइंस भी एक थी इस जमीन के ऊपर जिंदगी को बेहतर करने की जो कि पहले नहीं आ रही थी मार्टिन लूदर की जो लेगेसी थी वो भी यही थी कि यार उससे पहले मार्टिन लूदर के बाद से क्रिश्चियनिटी में जो रेवोल्यूशन आती है वो भी इसलिए आती है कि वो क्रिटिकल थी थोड़ी सी तो उससे पहले तो ये था कि यार इस दुनिया की जिंदगी में जो भी हो रहा है हमें तो वो बेहतर करना ही नहीं तो अगर आपने नहीं करना फिर ठीक है फिर आप मतलब करें स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेज और मैथ लेवल पर प्रैक्टिस करें जो भी है लेकिन अगर आपका कंसर्न यहाँ मौजूद है तो फिर तो कुछ यू हैव टू सी समथिंग व्हिच प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स

Uh, जो सोल्यूशन है वियतनाम वॉर की आपने बात की एज अ सक्सेस एंटी वियतनाम मूवमेंट जो हुई इट वॉज डीपली टाइड टू द साइकेटेलिक मूवमेंट वो जो आइडिया है कि हम ये क्यों जंग लड़ रहे हैं हम क्यों लोगों को जाके उनको मार रहे हैं ऑफ दैट कॉन्शियसनेस

नहीं मैं तो ट्विटर यूज ही नहीं करता अच्छा, मैं अनफॉर्चुनेटली करता था तो फिर इट्स इट्स वेरी वेरी टॉक्सिक मुझे very लगा बड़ा बड़ी बड़ी खुशी a... होगी जिस दिन मैं ट्रेंडिंग पेज गे। पे आया लेकिन जिस दिन आया उस दिन बड़ा दुख हुआ कि इस वजह इसलिए इसलिए आया हूं <laughs> मैं डन इन माय लाइफ तो आखिरी आपसे यही सवाल है कि लोग पूछते हैं कि भाई इतने जो ताजाद हैं इतनी जो जंगे हैं Uh, बड़े लोगों ने ये भी पूछा कि आप शुगर कोट करके प्यार से क्यों क्यों नहीं बताते? गुस्से में क्यों बोलते हैं बट ये, ये अच्छा सवाल है कि जो लोग बात करना भी जाते हैं रीच आउट करना भी जाते हैं फैमिली में ही कंजर्वेटिव होंगे पॉडकास्ट कॉज like ये हमारे अंदर ही सोच है मिसेस खान को जितनी आप सोशल मीडिया पे गालियाँ देते हैं आपकी नानियाँ दादियां सबकी इसी तरह की है how, how

उसको मतलब वो अपनी एक पर्टिकुलर स्कॉलरशिप की जबान में बात करते हैं उनकी अंग्रेजी डॉन का एडिटोरियल कोई आम आदमी नहीं पढ़ सकता उन्हें नहीं समझ आती ये क्या बात कर रहे हैं दूसरा ये कि जो ये नॉन ओवरलैपिंग मैजिस्टेरिया है ना एक तो आम लोग और एक इंटेलेक्चुअल्स और लिबरल्स या लेफ्ट पढ़े लिखे लोग ये ये इनमें ओवरलैप ही कोई नहीं है इनमें कम्युनिकेशन ही कोई नहीं है और आम आदमी को सिर्फ कम्युनिकेशन का मसला है वो विडगनस्टाइन कहता है ना कि ऑल प्रॉब्लम ऑफ फिलोसफी आर द ऑफ लैंग्वेज एक्चुअली एंड द थाट्स ऑफ लैंग्वेज आर वो ये बात करता है कि आम आदमी की लैंग्वेज का मसला है इसीलिए उसको सर्डन फिलासफी समझ नहीं आ सकती तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो ब्रिज है ना दरम्यान में वो वही बन सकता है इंसान जो कि ब्रेक डाउन करे आइडियाज को और आम जबान में मैथ कम्युनिकेशन के जो टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करे ना कि स्टडी सर्कल बना के बैठ गए किसी यूनिवर्सिटी के अंदर या फिर बारह लोग सड़क पर लेके प्रेस क्लब के बाहर पहुँच गए इससे क्या होगा यार मुझे नहीं समझ आता ये एक्टिविज्म जो है इसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा क्योंकि अब आपके हाथ में जो चीज़ है वो सबसे बड़ा कम्युनिकेशन का टूल है इसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते मतलब अभी तक वही ऑर्थोडॉक्स आइडियाज हैं चेंज करने के माशरे को जो कि उस टाइम ट्वेंटी सेंचुरी में इस्तेमाल हो रहे थे मेरा ख्याल है कि इसीलिए नहीं हो पाता कि हम एक तो टूल्स का इस्तेमाल नहीं करते और दूसरा ये है कि अपने जो सर्कल है ना आइसोलेटेड सर्कल्स एक दूसरे के लिए काम करते हैं बस पेपर लिखा पब्लिश करवाया पीयर रिव्यू करवाया और वाह वाह करवा ली बस बात खत्म आप इंटेलेक्चुअल बन गए और या फिर ये किया कि यार अगर कोई किताब भी लिखी तो वो भी अपने सर्कल के लिए लिख दी आम आदमी के लिए लिखी नहीं तो ये इसको एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा इससे और आम आदमी की जबान में उसको एंगेज करके बोलना पड़ेगा इसके लिए चाहिए टॉलरेंस रेजिलियंस और ब्रेवरी चाहिए क्योंकि वो आपको देता है गालियाँ वो दस वो ज़्यादा दूसरा में नीचे कहता ना कि वो गुजर रहा होता है एक जगह से ज़्यादात दूसरा तो एक आगे लोग खड़े होते हैं और वो एक जो है उसमें से बहुत ज्यादा ना आ, होता है है एक्चुअली तो वो पूछता है कि यार मैं मेरी आंखें नहीं है तो अगर तुम तुम्हारे पास बहुत नॉलेज है तुम्हें सब मालूम है क्या तुम मुझे आंखें दे सकते हो तो ज्यादा दूसरा उसको जवाब देता है कि अगर मैं तुम्हें आंखें दे दूंगा ना तो तुम इतना बुरा देखोगे कि तुम बुराई को बुरा नहीं कहोगे आंखें देने वाले को गालियां दोगे तुम सेम इज द केस है अगर आप एक प्रॉब्लम को स्पॉट करते हैं ना तो वो प्रॉब्लम्स को बुरा नहीं समझते वो कहते हैं यार इतना बुरा क्यों दिखाते हो ये नहीं सोचते कि क्यों करता है ये सोचते हैं कि ये दिखा रहा है इसके खिलाफ हो जाओ तो जिसमें टॉलरेंस होगी ना इतने के बावजूद अपनी बात कहते जाने की सिर्फ वो, कर मैं बात ही नहीं करूंगा। वो मुझे कुछ नहीं, मुझे नहीं कर नहीं आप मेरे से ज्यादा डेयरिंग सांस ले जाते आप बेसिकली आप कह रहे हैं घबराना नहीं है यार अब ये तो आपने बहुत डम डाउन कर दिया बात तो यही <laughs> <laughs> है घबराना घबराना नहीं इतने दो कितने so to... फिर भी आप आई फेवर जिसको मदद मिलती है और दूसरा ये कि हाँ एक चीज रहेगी जो आप ये बात कर रहे थे और इतने मसाइल की बात करते हैं तो मतलब इंटेलेक्चुअलिज्म का मकसद ही ये है

बेसिक यही आते है कि प्रॉब्लम ही आपने गलत आइडेंटिफाई की है प्रॉब्लम ये नहीं है कि नवाज जरदारी लाखों लेके भाग गए और उस अकाउंट से वापस आ गए वो कौन है मुराद सही जब कहते हैं सौ बिलियन सौ बिलियन आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा प्रॉब्लम ही जब आपने गलत आइडेंटिफाई किए तो आपने पूरी कॉम को ही गलत तरफ ले गए हैं आप प्रॉब्लम आप जरा सही आइडेंटिफाई करें वो जिन जिन ने सही आइडेंटिफाई किए वो गायब हो गए हैं खामोश हो गए हैं या बैन हो गए हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है या आई थिंक मेरा आजकल कंक्लूजन हर चीज का यही है कि अपने आप को देखो अपने आप को सही कर लो उस दिन मैं लिख भी रहा था अक्सर मैं अपने कोट सोच के लिख देता हूँ तो मैंने लिखा था कि आई वेंट सर्चिंग फॉर गॉड एंड आई माई सेल्फ स्टेयरिंग बैक अक्सर आप जो चीजें कहते हैं ना ये मजहब कह रहे हैं ये कल्चर कह रहे हैं वो आपका अपना आप होता है

तो हजरत शाह न्याज की कुछ अशार पे मैं आपको छोड़कर जाना चाहूंगा अगर आपने अशार, नहीं अशार. आपने नहीं भी करने तो आई वुड रिकमेंड आप आपदा परवीन को सुनना शुरू कर दें उनको सुन के ही आपको यकीन आ जाता है कि एक खुदा है मतलब अगर आपदा परवीन नहीं वो मुझे वैसे भी यकीन है आपदा परवीन एज अ वेसल लाइक आई आई थिंक शी चैनल समथिंग मतलब हम जो ये बातें करते हैं कि जेंडर और ये वो आदा परवीन को देखें ना आधा परवीन इज बियॉन्ड एनी ऑफ योर वर्ल्ड्स कैटेगराइजेशन और व्हाट अ ह्यूमन बीइंग इज तो उनकी एक बहुत अच्छा हजरत शाह ने आज की उस उन पे गाना बनाया उन्होंने आपने सुना ही होगा कहती हैं यार को हमने जा बजा देखा कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा दीद अपनी की थी उसे ख्वाहिश आपको हर तरह बना देता सो so, यार को हम मतलब आई सॉ माय बिलव्ड

और मैं एंड में कंजर पने पर उतर आया क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड कंजर थैंक यू सो मच थैंक यू एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग सॉरी थोड़ा डिले हो गया इस पॉडकास्ट के आने पर इंशाल्लाह वी विल बी मच रेगुलर नाउ थैंक यू मुजम्मल थैंक यू एवरीबॉडी टेक केयर बाय बाय